अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है सादी और आप देख रहे हैं सादी की लाइब्रेरी। पेश खिदमत हूँ मलक सफदर हया साहब की एक और खूबसूरत कहानी के साथ। क्योंकि मलक सफदर हया साहब को आप सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं। माज़रत ख्वाह हूँ, कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। लेकिन ये आपकी से कनेक्ट रहने की चाहत है जो मुझे जल्द से दियाब कर देती है, और मैं जल्दी से अच्छी होकर आपके लिए कहानियाँ पढ़ने के जो है वो काबिल हो जाती हूँ। इसी सिलसिले की एक और कहानी हाजिर खिदमत है। दरख्वास्त यही है कि जो मेरे चैनल पर अभी अभी आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि इसी चैनल पर आपको मिलेंगी सबसे दिलचस्प कहानियाँ, नॉवेल्स। और इसके अलावा अगर आपको कहानी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट भी लाजमी से किया करें कि आपको ये कहानी कैसी लगी। एक और अहम बात, कहानी में आपको कौन सा मेरा जो जुमला है वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और किस जुमले को मैंने ठीक तरह से अदा नहीं किया वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आइए आगाज़ करते हैं आज के केस का, जिसका नाम है दर्द मुश्तरक। मंजर बड़ा वहशतनाक था, दिलों में हैबत जमा देने वाला, एहसास और हवास को दहशत की मुट्ठी में जकड़ कर कभी तारी करने वाला। इंसान जिसे देखते ही खौफ में मुब्तला हो जाए और निकाह चुरा कर कहीं और तकने लगे। बेसख्ता उसके दिल से निकले, अल्लाह किसी दुश्मन को भी ऐसा मंजर ना दिखाए। मैं किसी का दुश्मन नहीं था, इसके बावजूद भी वो दिल दहला देने वाला मंजर देखने पर मजबूर था, क्योंकि फ़राइज की राह में अपनी कमजोरियों को खड़ा करने से काम बनता नहीं बल्कि बिगड़ जाता है, और मैंने अपने काम को बिगाड़ने की कभी कोशिश नहीं की थी। इसलिए मैंने चौधरी जहीर के इबरतनाक असर अंजाम से नज़र चुराई और ना ही मेरे वजूद पर कप कपाहट तारी हुई। मैं मौके पर मौजूद कानूनी कार्रवाई में मसरूफ रहा। इस अंधोनाक वाक़े की इतला पाते ही मैं जाए वकुआ पर पहुंच गया था। मुझे पता चला था कि किसी सफाक ने बड़ी बेरहमी से चौधरी जहीर को कत्ल कर दिया है। उस बेरहमी की तफसील बड़ी लर्जाखैज थी। किसी शकील कलब ने चौधरी के जिस्म को दो हिस्सों में इस तरह काट डाला था कि नाव के ऊपर का हिस्सा एक तरफ और नाव से नीचे का हिस्सा दूसरी जानब पड़ा था, और ये दोनों कटे हुए हिस्से एक ही पलंग पर थोड़े फासले से रखे नजर आ रहे थे। कत्ल की ये लर्जा खैज वारदात चौधरी के डेरे पर पेश आई थी, जो हवेली से थोड़ी दूर लहलहाते सरसब्ज खेतों के दरमियान वाक़या था। कटी हुई लाश को देखकर बखूबी अंदाजा हो जाता था कि कातिल अपने दिल में चौधरी जहीर के लिए बेअंदाजा नफरत रखता था। यह उसकी नफरत और नापसंदीदगी का आलम था कि उसने इंतकाम के लिए बड़ा खौफनाक रास्ता चुना था। जैसा कि मैंने ऊपर बताया, मस्कूरा डेरा हवेली से कुछ फासले पर खेतों में वाकया था, जहां चौधरी का एक खास बंदा झूरी रहता था। डेरे के इंतजाम सराम को यह झूरी नामी बंदा ही देखता था। उसने अपनी मदद के लिए दो अफराद रखे हुए थे, जो कभी तो डेरे पर रुक जाते और कभी अपने घर चले जाते थे, लेकिन झूरी का क्याम उसी डेरे पर था। कभी कभार चौधरी जहीर भी रात गुजारने के लिए डेरे पर चला आता था, और वो भी एक ऐसी ही रात थी जब चौधरी को उसी डेरे पर बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। मैंने मौका पर जमा होने वाले अफराद को उस कमरे से बाहर निकाल दिया, जहां एक रंगीले पलंग पर चौधरी की मुनकसम लाश पाई गई थी। जब मैं और हवलदार सुबह खान कमरे में अकेले रह गए तो मैं लाश के मुआयने में मसरूफ हो गया। मैंने वहां मौजूद पलंग के लिए रंगीले का लफ्ज इस्तेमाल किया। इसके दो मानी हैं, एक अमूमी और दूसरा खसूसी। अमूमी मानी तो वही हैं जो अमूमन गांव देहात में इस्तेमाल होते हैं, यानी जिस पलंग के दस्तों बाजू और पाए खूबसूरत तराश खराश के अलावा रंगदार भी हों, उसे रंगला या रंगीला पलंग कहा जाता है। मस्कूरा पलंग ऐसा ही था। उस पलंग के रंगीला होने के खसूसी मानी कुछ और हैं, जो बाद में जेर बहस लाए जाएंगे। मैंने उस जुमानी पलंग का बगौर मुआयना किया और एक चौंका देने वाले नतीजे पर पहुंचा, और वो नतीजा ये था, चौधरी जहीर को उस पलंग पर कत्ल नहीं किया गया था, उसका कत्ल कहीं और हुआ था और बाद में लाकर उसे उस पलंग पर डाल दिया गया था। चौधरी जहीर को जिस अंदाज में काट कर दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया था, उस तरीका एक कत्ल में बेतहाशा खून बहना चाहिए था, जो उस पलंग और पलंग पर मौजूद बिस्तर के ऊपर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो पलंग और उस पर बिछा हुआ बिस्तर जिस कदर खून आलूद था, उससे यही जाहिर होता था
چودھری ظہیر کو کسی اور مقام پر دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا اور بعد ازاں اس کی لاش کو اس پلنگ پر پھینک دیا گیا تھا۔ پلنگ کے نیچے فرش پر خون موجود نہیں تھا۔ لاش کے تفصیلی معائنے کے بعد میں نے اس کے دونوں حصوں کو چادر سے ڈھانپ دیا اور حوالدار صبح خان کے ساتھ مل کر جائے وقوع کا نقشہ تیار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میں موقع کی ضروری کاروائی سے فارغ ہو گیا۔ جن درجن بھر افراد کو میں نے کمرے سے باہر روک رکھا تھا، ان میں چودھری ظہیر کا چھوٹا بھائی چودھری تنویر بھی شامل تھا۔ میں کمرے سے باہر نکل آیا اور وہاں موجود لوگوں سے اس واقعے کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے لگا۔ تنویر ان میں پیش تھا۔ میں نے سب سے پہلے اسی کا انٹرویو کر ڈالا۔ چودھری تنویر کی عمر 25 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ ایک صحت مند اور وجیح شخص تھا۔ بڑے بھائی کی المناک موت پر وہ شدید غم و غصے کا شکار تھا۔ میں نے اسے پوچھا، تمہارے خیال میں اس واردات کا ذمہ دار کون ہو سکتا ہے؟ وہ نفرت امیز انداز میں بولا، جناب میرا دھیان تو بار بار ملک خدا بخش کی طرف جا رہا ہے۔ ملک خدا بخش؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، یہ کون شخص ہے؟ چودھری تنویر نے بتایا، ملک خدا بخش کرما ولی کا رہنے والا ہے۔ ہماری اور خدا بخش کی زمینیں ایک مقام پر آپس میں مل جاتی ہیں اور کافی عرصے سے ہمارے درمیان سرحدی زمین کا تنازعہ چل رہا ہے۔ چھوٹی موٹی منہ ماری اور جھڑپیں تو اکثر و بیشتر ہوتی رہتی ہیں، لیکن میں نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ خدا بخش اتنا سنگین قدم اٹھا بیٹھے گا۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، دراصل ملک خدا بخش نے ہماری 5 ایکڑ سرحدی زمین پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ تو چوری اور سینہ زوری والی بات ہو گئی تھانے دار صاحب۔ بھائی جی کے قاتل کو کوئی چھوٹ نہیں ملنی چاہیے۔ ملک خدا بخش کو عبرتناک سزا دلوانے کے لیے جتنی بھی رقم خرچ ہو میں تیار ہوں۔ آپ قانونی کارروائی کا آغاز کریں۔ میں نے اس کی بات پوری توجہ سے سنی اور اس کے خاموش ہونے پر کہا، چودھری تنویر، تم تو ملک خدا بخش کو اس وسوخ سے قصوروار ٹھہرا رہے ہو جیسے تم نے اپنی آنکھوں سے قتل کی یہ واردات دیکھی ہو۔ جناب میں محسوس کر رہا ہوں آپ کو میری بات بہت بری لگی ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم نے ایسا کیوں سوچا؟ وہ جی وہ تامل کرتے ہوئے بولا، آپ بھی ملک ہے نا اور خدا بخش، یہ کیا بے وقوفی کی بات کر رہے ہو چودھری تنویر؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، میں یہاں پر تمہارے بھائی کے قتل کی تفتیش کرنے آیا ہوں یا ذات برادری کی تعلق داریاں نبھانے؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر میں اس علاقے کا تھانہ انچارج ہوں تو میں نے یہاں بسنے والے ملکوں کو ہر قسم کے جرائم کی چھوٹ دے رکھی ہوگی۔ میں لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر ٹھوس لہجے میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، چودھری تنویر، میں قانون کا پاسدار ہوں اور میری نگاہ میں سب برابر ہیں۔ جو شخص بھی جرم کا ارتکاب کرے گا قانون کی گرفت میں ضرور آئے گا اور اپنے قصور کی قرار واقعی سزا بھی پائے گا، چاہے وہ کوئی ملک ہو، راجپوت مہر ہو یا گندل، بڑائچ ہو یا خان، کھرل ہو یا ایوان۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی سمجھ گیا۔ اس نے ندامت امیز انداز میں گردن ہلائی، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ اس بات کا خیال رکھوں گا ملک صاحب۔ ٹھیک ہے، میں نے اپنے سر کو اس باتی جنبش دی اور پوچھا، اب یہ بتاؤ تم نے تم وسوخ سے ملک خدا بخش کو قصوروار کیوں ٹھہرایا؟ جناب آپ نے پوچھا تھا کہ مجھے کس پر شک ہے تو میں نے اپنے شک کا اظہار کر دیا۔ وہ سادگی سے بولا، اور تو ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے جس کی طرف دھیان جائے۔ میں نے پوچھا، تم نے جس 5 ایکڑ سرحدی زمین پر ملک خدا بخش کے ناجائز قبضے کی بات کی ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی بڑی وجہ ہے جس کی بنا پر ملک خدا بخش پر شک کیا جا سکے؟ جناب تھانے دار صاحب، وہ جذبات سے آری لہجے میں بولا، ہم زمینداروں کے لیے سب سے اہم چیز زمین ہی ہوتی ہے اور اس کی بنا پر ہم ہر خطرناک حد تک جا سکتے ہیں۔ ہم ملک خدا بخش سے اپنے 5 ایکڑ نکلوا لیتے اگر اسے قانون کا تعاون حاصل نہ ہوتا۔ یہ اس نے ایک بالکل نئی اور عجیب بات کی تھی۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں استفسار کیا، قانون کا تعاون کیا مطلب ہے تمہارا؟ جناب آپ اس علاقے میں نئے تعینات ہوئے ہیں اس لیے شاید آپ کو پرانے معاملات کا زیادہ علم نہیں ہے، چودھری تنویر نے پرزرار انداز میں کہنا شروع کیا۔ اس کی یہ بات تو بالکل درست تھی کہ میں اس علاقے میں کچھ عرصے پہلے ہی تعینات ہوا تھا۔ میں کسی نئے انکشاف کے لیے پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، ملک خدا بخش کی بہت اوپر تک پہنچ ہے، تحصیلدار سے اس کے دوستانہ مراسم ہیں، تحصیلدار نواز گوندل کئی مرتبہ اس سے ملنے کرما والی اس کی حویلی میں آ چکا ہے، اور اس علاقے کا پٹواری دوست محمد بھی پوری طرح ملک خدا بخش کی مٹھی میں ہے۔ خدا بخش نے کاغذی ہیر پھیر کے ذریعے پٹواری کی مدد سے وہ 5 ایکڑ زمین اپنی زمین کا حصہ بنا لی ہے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا، لیکن ہمارے نزدیک وہ ہماری زمین ہے جس پر ملک خدا بخش کا ناجائز قبضہ ہے۔
क्या आप लोगों के पास इस मुतनाज़ा ज़मीन की मलकियत का कोई ठोस सबूत है? मैंने चौधरी तनवीर से पूछा। सबूत तो है जनाब, लेकिन वो कागजात कच्चे हैं, उसने जवाब दिया। दरअसल हमने वो ज़मीन एक हिंदू से खरीदी थी। हमारी सुस्ती समझ लें कि उसके इंतकाल में हमने देर कर दी। अगर पक्के अदालती कागज़ पर उसी वक्त इस ज़मीन का इंतकाल हो जाता तो हमारी गिरफ्त मजबूत होती। आप जानते हैं पटवारियों को ज़मीन के एक एक सूद की कैफियत से आगाही होती है। पटवारी दोस्त मोहम्मद को भी ये बात मालूम थी कि मुतज़क्किरा बाला 5 एकड़ ज़मीन की कानूनी हैसियत इतनी कमज़ोर है कि कोई भी ताकतवर बड़ी आसानी से उसे हड़प कर सकता है। दोस्त मोहम्मद चूँकि मलक खुदाबख्श के हाथों का खिलौना है, इसलिए उसने दस्तावेजी हेर फेर के ज़रिए उन 5 एकड़ को खुदाबख्श की मलकियत बना दिया है। चौधरी तनवीर ने इस तनाज़े की जो सूरत हाल बयान की थी उसकी रूह से इस बात के इम्कान पर गौर किया जा सकता था कि ज़मीन के उस टुकड़े के छिन जाने के सबब चौधरी ज़हीर चौधरी खुदाबख्श को कोई नुकसान या ज़रर पहुँचाने की कोशिश करता, लेकिन इस बात का कोई जवाब नहीं बनता था कि मलक खुदाबख्श उल्टा चौधरी ज़हीर ही को कत्ल कर डाले। इस तनाजुर में मैंने चौधरी तनवीर से कहा, ठीक है, मलक खुदाबख्श ने पटवारी दोस्त मोहम्मद की मदद से एराजी के दस्तावेजात में जो गड़बड़ करके उसे अपनी मलकियत बना लिया है, मैं उसकी तहकीकात कराऊंगा। तुम इस वारदात के हवाले से अगर और कोई अहम बात जानते हो तो मुझे बताओ। नहीं जनाब, उसने नफे में गर्दन हिलाई, मैं जो जानता था और जिधर मेरा शक जा सकता था मैंने आपको बता दिया। तुम मलक खुदाबख्श की फिक्र ना करो, मैंने उसकी तसल्ली की खातिर कहा, अगर वो किसी भी सतह पर कत्ल किस वारदात में मुलविस है तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। वह कदरे मुतमईन नज़र आने लगा। मैंने पूछा, तुम्हारे भाई की लाश इस डेरे के कमरे में पाई गई है, इससे तो लगता है कि वो पिछली रात यहाँ मौजूद था। यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि वो वसी और रीज आराम दे हवेली को छोड़कर रात गुजारने यहाँ क्यों आया था। उस वक़्त मैं और चौधरी तनवीर दूसरे लोगों से लग थलग एक चारपाई पर डेरे के सैन में बैठे थे। सूबे खान दीगर लोगों से पूछगछ कर रहा था। वह अक्टूबर के आखिरी अयाम थे, फिजा की रुखसती अभी पूरी तरह नहीं हुई थी, ताहम फिजा में हुनकी शामिल हो चुकी थी जो मौसम सरमा की आमद का खामोश ऐलान भी था। वह सुबह का वक्त था और हल्की धूप में बैठना हासा खुशगवार महसूस हो रहा था। हम दूसरे लोगों से इतने फासले पर थे कि वह हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन नहीं सकते थे। इसके बावजूद भी चौधरी तनवीर ने मेरे सवाल का जवाब देने से पहले मोहतात अंदाज से उनकी तरफ देखा था। उसकी ये मोहतात नज़र इस बात की गमास थी कि वो कोई नहायत ही अहम बात मुझ तक पहुंचाने वाला था। तुम्हारे भाई की लाश इस डेरे के कमरे में पाई गई है, इससे तो लगता है कि वो पिछली रात यहाँ मौजूद था। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि वो वसी और अरीज आरामदेह हवेली को छोड़कर रात गुजारने यहाँ क्यों आया था। उस वक़्त मैं और चौधरी तनवीर दूसरे लोगों से लग थलग एक चारपाई पर डेरे के सैन में बैठे थे। सुबहान दीगर लोगों से पूछगछ कर रहा था। वह अक्टूबर के आखिरी अयाम थे, खिजा की रुखसती अभी पूरी तरह नहीं हुई थी, ताहम फिजा में हुनकी शामिल हो चुकी थी जो मौसम सरमा की आमद का खामोश ऐलान भी था। वह सुबह का वक्त था और हल्की धूप में बैठना हासा खुशगवार महसूस हो रहा था। हम दूसरे लोगों से इतने फासले पर थे कि वो हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन नहीं सकते थे। इसके बावजूद भी चौधरी तनवीर ने मेरे सवाल का जवाब देने से पहले मोहतात अंदाज से उनकी तरफ देखा था। उसकी ये मोहतात नज़र इस बात के गमास थी कि वो कोई नहाई थी अहम बात मुझ तक पहुँचाने वाला था। थानेदार साहब, बात दरअसल यह है कि भाई जी की भाभी जान के साथ कुछ ज़्यादा नहीं बनती। वो इनकी शाफ अंगेज लहजे में बोला, जब किसी रात बहुत ज़्यादा नोक झोंक हो जाए तो भाई जी रात गुजारने इस डेरे पर आ जाया करते थे, इसलिए उन्होंने डेरे के एक कमरे को अपने लिए सेट कर रखा था। आपने देखा होगा जिस कमरे में भाई जी की लाश पड़ी है वो किसी डेरे का नहीं बल्कि किसी हवेली का कमरा नज़र आता है। चौधरी तनवीर बिल्कुल ठीक कह रहा था। मैंने बड़ी तफसील से मस्कूरा कमरे का मुआयना किया था, वो वाकई एक आरामदेह और पुरसकून कमरा था। मैंने छोटा चौधरी से पूछ लिया, क्या तुमने कभी ये जानने की ज़रूरत महसूस की कि तुम्हारे भाई और भाभी में क्यों नहीं बनती थी? चौधरी तनवीर ने एक अहम सिरा मुझे पकड़ा दिया था। मुझे उम्मीद थी कि अगर मैं सिरे को थाम कर कदम कदम आगे बढ़ता रहा तो जल्द या बददेर अपनी मंजिल पर पहुँच ही जाऊँगा। दूसरे सिरे पर कामयाबी किसी न किसी सूरत मेरी मंतज़र होगी, छोटे चौधरी ने जवाब दिया। अब नहीं, वो इसलिए कि उनके दरमियान पाई जाने वाली अनबन की वजह बड़ी वाजिया है। अच्छा, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, और वो वजह क्या है? दोनों के मिजाज में बहुत फ़र्क था, चौधरी तनवीर ने बताया, और भाईजान को ये शादी मजबूरन करना पड़ी थी सिर्फ अब्बा जी की आहरी ख्वाहिश की वजह से, इसलिए भाई जी और भाभी जान में जहनी और दिली हम आहंगी नहीं रही।
चौधरी तनवीर कोई नई और अनोखी बात नहीं कर रहा था। अगर दयानतदारी से तजिया किया जाए तो दुनिया में 99% मियाँ बीवी ऐसे मिलेंगे जिनमें हम आहंगी नहीं पाई जाती। दोनों फरीक अपनी अपनी जगह खुद को दुरुस्त और दूसरे को गलत समझते रहते हैं। समझते रहने की हद तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन जब वो अपने समझने को साबित करने के लिए सर तोड़ कोशिशें भी करने लगते हैं तो फिर बड़ी खराबी नमूदार होती है, और अक्सर औकात ये खराबी उनके रिश्ते के लिए जहरे हलहल साबित होती है। चौधरी तनवीर ने अगरचा एक अमूमी बात की थी, लेकिन खसूसी मौका पर की जाने वाली इस अमूमी बात ने मुझे अपनी तरफ मतवज्जो कर लिया था, लिहाजा मैं उसे पूछे बगैर ना रह सका। ये तुम्हारे भाई जी की मजबूरी और अब्बा जी की आखिरी ख्वाहिश का क्या किस्सा है चौधरी तनवीर? वह चंद लम्हा तक खामोश नज़र से मुझे देखता रहा, फिर वजाहत करते हुए बोला, थानेदार साहब, बात दरअसल यह है कि हमारे गांव मौजा चंडियाला से 8 मील मशरक में मक्खनपुर नामी एक गांव वाकया है। वहाँ के चौधरी हावर हयात और हमारे अब्बा जी चौधरी हलील में मुख्तलिफ वजूह की बिना पर सलह साल से दुश्मनी चली आ रही थी। एक मिनट, मैंने हाथ के इशारे से चौधरी तनवीर को मजीद बोलने से रोक दिया और कहा, मैं तुम्हारी कहानी तसल्ली से बैठकर सुनता हूँ, पहले एक नहायत ही ज़रूरी काम कर लूँ। वह खामोश और सवालिया नज़र से मुझे तकने लगा। चौधरी तनवीर के अंदाज से मुझे एहसास हुआ था कि वो कोई तवील दास्तान का आगाज करने वाला, ऐसी कोई भी कहानी समाप्त करने से पहले मुझे चौधरी ज़ाहिर की लाश के हवाले से कार्रवाई को मुकम्मल करना था। जायब कुआ के तफसीली मुआयने के बाद मुशीनामा तैयार किया जा चुका था। उस ज़माने में फिंगरप्रिंट्स वगैरह उठाने का कोई रिवाज था और ना ही अदालत उसे कोई अहमियत देती थी। तहकीक और तफ्तीश का तरीक़ेकार नहायत ही सादा लेकिन पुरकार हुआ करता था। मैं चाहता था कि चौधरी ज़हीर की लाश को जल्द अज जल्द पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवा दूँ ताकि इस केस पर एक ख़ास जाविये से रोशनी पड़ सके। चौधरी तनवीर को मेरे अजायम की खबर हुई तो उसने भराई हुई आवाज़ में कहा, थानेदार साहब, भाई जी का जो हशर हुआ है उसके बाद मजीद किसी चीर फाड़ की क्या ज़रूरत रह जाती है। वो नहीं चाहता था कि मैं चौधरी ज़हीर की लाश को अस्पताल भिजवाऊँ। उसकी ख्वाहिश अपनी जगह एक जज्बाती अहमियत की हामिल थी, लेकिन मैं भी अपने फ़राइज़ से मजबूर था, लिहाजा समझाने वाले अंदाज में मैंने उससे कहा, चौधरी तनवीर, मैं ज़रूरत महसूस कर रहा हूँ तो तुम्हारे भाई जी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा रहा हूँ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट चौधरी ज़हीर के कातिल तक पहुँचने में बड़ी मुआविन साबित होगी। फिर मैंने कार्रवाई को फाइनल टच देते हुए हवलदार सूबे खान की निगरानी में चौधरी ज़हीर की वहशत ज़दा लाश को सरकारी अस्पताल भिजवा दिया ताकि उसकी लाश का पोस्टमार्टम हो सके। इसके बाद मैं दोबारा चौधरी तनवीर को लेकर बैठ कर कहा, हाँ तो तुम सुना रहे थे तुम्हारे अब्बा जी खलील चौधरी और मौजा मक्खनपुर के चौधरी हावर हयात के दरमियान मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर साला साल से दुश्मनी चली आ रही थी। जी हाँ, उसने इस बात में सर हिलाया और बताने लगा, इस दुश्मनी में दोनों पार्टियों ने अक्सर मौके पर एक दूसरे को नुकसान पहुँचाया था, फिर 2 साल पहले ये दुश्मनी जड़ से ख़त्म हो गई, यानी दोस्ती और रिश्तेदारी में बदल गई। ये तो तुम बिल्कुल अनहोनी बात कह रहे हो चौधरी तनवीर, मैंने हैरत से आंखें फाड़ कर उसकी तरफ देखा। इतनी देरी ना दुश्मनी पलक छपकते में दोस्ती और रिश्तेदारी में कैसे बदल गई? ऐसा कौन सा मुजज़ा रूनमा हो गया था? उस मुजज़े का नाम है चौधरी हावर हयात की बीमारी, चौधरी तनवीर ने थके हुए लहजे में कहा। लगभग 2 साल पहले हमारा दहरीना दुश्मन चौधरी हावर हयात शदीद बीमार पड़ा। हर हकीम, डॉक्टर और सियाने ने अपना अपना इल्म और हुनर आजमा डाला, लेकिन उसकी सेहत संभलने में ना आई। वो रोज़ बरोज़ कमज़ोर से कमज़ोर होता चला गया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि वो हड्डियों का ढांचा नजर आने लगा। उन्हीं दिनों चौधरी हावर हयात ने अब्बाजी के लिए एक पैगाम भिजवाया जिसका मजमून कुछ इस तरह था, हम दोनों ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा दुश्मनी में एक दूसरे की काट में गुजार दिया जिसका कोई फ़ायदा हासिल ना हुआ, ना तुम्हें और ना ही मुझे। मुझे महसूस हो रहा है कि अब ज़्यादा दिन जी ना सकूंगा। तुम भी कोई रोज़े क़यामत तक ज़िंदा रहने वाले नहीं हो, एक ना एक दिन तुम्हें भी खाक में उतरना है। अगर हम दोनों हालत दुश्मनी में इस दुनिया से रुखसत हो गए तो ये मत समझना कि हमारी ये दुश्मनी भी हमारे साथ मर जाएगी। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि ये हलाकत खैज रिश्तेदारी हमारी आइंदा नस्ल यानी हमारी औलाद में मुंतकिल हो जाएगी। हमारी फना के बाद चौधरी ज़हीर और चौधरी सिकंदर हयात इस खाते को आगे चलाएंगे जो बहुत ही भयानक और खून रेस होगा। क्या तुम ऐसा चाहते हो? नहीं ना, मैं भी ऐसा नहीं चाहता, इसलिए इब्तदा मेरी तरफ से हो रही है। मैं तो कहीं आने जाने के काबिल नहीं रहा, वरना इस पैगाम की बजाय मैं खुद मौजा चंडियाला तुम्हारे पास आता। बीमारी ने मुझे तोड़ कर रख दिया है, लिहाजा इस पैगाम के ज़रिए मैं तुम्हें अपने पास आने की दावत देता हूँ।
ہم کوئی ایسی راہ نکالیں گے جو ہماری آئندہ نسل کی سلامتی کی ضامن ہو۔ میں اپنی زندگی کی آخری سانس تک تمہارا انتظار کروں گا چودھری خلیل، اگرچہ یہ سانسیں اب گنتی کی باقی ہیں۔ چودھری تنویر لمحے بھر کو متوقف ہوا، ایک گہری سانس خارج کی اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، ہمیں امید نہیں تھی کہ ابا جی چودھری ہاور حیات کے بلانے پر مکھن پور چلے جائیں گے، کیونکہ ہاور حیات سے ایسی دشمنی چل رہی تھی کہ اس کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، لیکن اس وقت ہمیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب انہوں نے چودھری ہاور حیات سے ملنے کے لیے جانے کا اعلان کر دیا۔ ظاہر ہے ہم انہیں جانے سے نہیں روک سکتے تھے۔ وہ ایک مرتبہ پھر متوقف ہوا اور تھکی تھکی آواز میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، ابا جی واپس آئے اور اپنے ساتھ یہ خبر بھی لائے کہ 2 ماہ کے اندر اندر بھائی جی کی شادی چودھری ہور حیات کی اکلوتی بیٹی فخرا سے ہو رہی ہے۔ کہاں تو ازلی اور جانی دشمنی چل رہی تھی، دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے لہو کی پیاسی تھی، اور کہاں ایسا جوڑ لگایا جا رہا تھا کہ 2 خاندان مل کر ایک خاندان بنتے جا رہے تھے۔ چودھری ہور حیات کی صرف 2 ہی اولادیں ہیں، بیٹا سکندر حیات اور بیٹی فخرا۔ ابا جی نے بتایا کہ چودھری ہور نے پہلے اپنی بیٹی اور بیٹے کو اس دشمنی کے خاتمے کے لیے آمادہ کیا تھا اور اس کے بعد انہیں اپنے پاس آنے کا پیغام بھیجا تھا۔ ابا جی نے جس انداز میں بھائی جی کی شادی کا اعلان کیا تھا، اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ انہوں نے چودھری خاور کی تجویز سے مکمل اتفاق کرنے کے بعد واپسی کا رخ کیا تھا۔ ہم دونوں بھائی ابا جی کے خلاف نہیں جا سکتے تھے، لہٰذا 2 سال پہلے بھائی جی یعنی مقتول اور بھابھی جان فاخرہ کی شادی ہو گئی۔ اس شادی سے چند روز بعد ہی ابا جی کا انتقال ہو گیا۔ اسی ماہ چند دن کے وقفے سے چودھری ہاور حیات بھی چل بسا۔ بات کے اہتمام پر چودھری تنویر کی آواز اچھی خاصی بھرا گئی تھی۔ میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، اگر دیکھا جائے تو مرحوم چودھری ہاور حیات نے اپنی موت سے قبل ایک بہت بڑا نیک کام کر ڈالا تھا، اور تمہارے ابا جی مرحوم مغفور نے چودھری خاور کی بات مان کر ایک عظیم کارنامہ انجام دیا تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں چودھری تنویر۔ جی میں سمجھ سکتا ہوں، اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، جس طرح مرحوم چودھری ہاور حیات کی اولاد نے اس کی خواہش کو مقدم جانا، بالکل اسی طرح ہم بہن بھائیوں نے بھی ابا جی کی خواہش کی لاج رکھی ہے۔ بھائی جی نے اگرچہ ابا جی کی خوشی کی خاطر ہی سمجھ لیں مجبوری میں یہ شادی کی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بڑی خوش اسلوبی سے نبھا رہے تھے۔ دونوں خاندانوں میں پھر کوئی اختلاف دیکھنے میں نہیں آیا۔ اس کا لہجہ غم سے معمور تھا، ظاہر ہے وہ اپنے بڑے بھائی کی المناک موت پر بے حد افسردہ اور شکستہ دل ہو چکا تھا۔ میں چند لمحے خاموشی سے اس کے چہرے کے تاثرات لیتا رہا، پھر اپنے ذہن میں چبھنے والے ایک زاویے کی وضاحت کے لیے اسے پوچھ لیا، چودھری تنویر تم نے 2 مرتبہ اپنے مقتول بھائی کے حوالے سے کہا ہے کہ اس نے فاخرہ سے بحالت مجبوری شادی کی تھی، پھر تم نے یہ بھی بتایا کہ تمہارے والد صاحب کی آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے مقتول چودھری ظہیر اس شادی کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مقتول فاخرہ سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتا تھا، کیا اس میں کوئی خرابی یا عیب تھا؟ یہ بات نہیں ہے جناب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، دراصل بھائی جی نے بلقیس بھابھی کے انتقال کے بعد شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر انہیں ابا جی کی خوشی کے لیے یہ سب کرنا پڑا۔ شاید اس لیے 2 سال گزر جانے کے باوجود بھی میاں بیوی میں وہ محبت اور قربت پیدا نہیں ہو سکی جو لازمی تھی۔ پھر ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ بھائی جان اور بھابھی جان کے مزاج میں بھی بہت فرق ہے، میرا مطلب ہے تھا۔ اب تو بھائی جی، وہ جملہ دھورا چھوڑ کر زخمی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کے نامکمل جملے کی تکمیل کے لیے کسی اسپیشل قسم کی عقل کی ضرورت نہیں تھی، میں بخوبی سمجھ گیا تھا کہ وہ آگے کیا کہنا چاہتا تھا۔ جو اس نے نہیں کہا تھا یا کہہ نہیں پایا تھا، میں نے اس حوالے سے اسے کوئی سوال کرنا ضروری نہ سمجھا، کیونکہ میرا ذہن تو اس کے ابتدائی جملے ہی سے چپک کر رہ گیا تھا۔ چودھری تنویر، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے پوچھا، کیا فاخرہ مقتول کی دوسری بیوی ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور جواب دیا، اب جی ہاں، کئی سال پہلے بھائی جی کی شادی بلقیس سے ہوئی تھی، پھر چند سال کے بعد بلقیس بھابھی کا انتقال ہو گیا اور بھائی جی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اب کبھی شادی نہیں کریں گے۔ بیچ میں 3 سال وہ ایسے ہی رہے، پھر ابا جی چودھری خاور کے بلانے پر مکھن پور گئے اور وہاں سے بھائی جی کی شادی کا پروگرام لے کر آ گئے۔ چنانچہ بھائی جی کی فخر کے ساتھ دوسری شادی ہو گئی اب سے کوئی 2 سال پہلے۔ مقتول ظہیر کو محض اپنے باپ کی خواہش کی خاطر فخر سے شادی کرنا پڑی تھی، ورنہ اپنی پہلی بیوی کے انتقال کے بعد وہ زندگی بھر شادی نہ کرنے کا تہیا کیے بیٹھا تھا، اور شادی کے بعد پتہ چلا کہ دونوں کے مزاج میں بھی بڑا فرق ہے، لہٰذا ان کے درمیان اچھی طرح بن نہ سکی۔ جب کبھی میاں بیوی میں نوک چھوک شدت اختیار کر لیتی تو مقتول وہ رات حویلی سے باہر اپنے ڈیرے پر گزارتا تھا، جیسا کہ گزشتہ رات وہ حویلی کی بجائے اس ڈیرے پر موجود تھا، ہے نا؟
चीप जी हाँ, उसने जल्दी से कहा। मैंने पूछा, मकतूल की दूसरी बीवी से कितनी औलादें हैं? एक भी नहीं, चौधरी तनवीर ने जवाब दिया। ओहो, मैंने गहरी सांस खारिज की, फिर पूछा, और बिल्किस के बतन से मकतूल के कितने बच्चे पैदा हुए थे? इससे भी भाई जी की कोई औलाद पैदा नहीं हुई, चौधरी तनवीर ने बताया। ये बड़ा अजीब बल्कि संगीन इतफाक नहीं है? बेशक तो मेरे मुँह से निकल गया। जी है तो, मगर यही हकीकत है, उसकी अफसुर्दगी में इजाफा हो गया। चंद लम्हा तक खामोश रहने के बाद इजाफा करते हुए उसने बताया, दरअसल बात यह है जनाब के बिल्किस भाभी से कोई 8 साल भाई जी की शादी रही थी। इस दौरान वह 3 मरतबा उम्मीद से भी हुई, लेकिन हर बार उनका अब्रॉशन हो गया। अब्रॉशन नहीं, अबॉशन, मैं चूंकि समझ गया था चौधरी तनवीर क्या कहना चाह रहा था, लिहाजा फौरन ही तस्दीक कर दी। जी वही, वो उस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। और आखिरी अबॉर्शन, मेरा मतलब है अबॉर्शन में भाभी बिल्किस जिंदगी हार गई। भाई जी को बिल्किस भाभी से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए उन्होंने सारी जिंदगी शादी न करने का फैसला कर लिया था। अब सूरत हाल बड़ी हद तक वाजह हो गई थी। मकतूल चौधरी जहीर और उसकी बेवा फाखरा के दरमियान अनबन की बुनियादी वजू वही थी। नंबर एक का मकतूल एक ऐसी बीवी की मौत का सदमा उठाए बैठा था जिसे वह शदीद मोहब्बत करता था। नंबर दो, उसके ना चाहने के बावजूद भी फाखरा से उसकी दूसरी शादी कर दी गई थी, लिहाजा वो फाखरा को वो मोहब्बत और तवज्जो नहीं दे पाया होगा जो एक बीवी का हक होता है। चुनांचा इस हक तलफी पर फाखरा को अपनी बेइज्जती महसूस होती होगी। ये बात भी रोज़े रोशन की तरह आयां थी कि फाखरा ने भी अपने बाप चौधरी हावर हयात की आखिरी ख्वाहिश के आगे मजबूर होकर मकतूल से शादी के लिए रजामंदी जाहिर की होगी। इस सूरत में तो फाखरा को उसके इस्तेहकाक से कहीं बढ़कर मोहब्बत और तवज्जो मिलनी चाहिए थी, और बजाय इसके उसे उसका कोटा भी नहीं मिल सका था। इन हालात में नोक चौंक और नाचाकी तो लाजिम होकर रह जाती है। मकतूल जब भी फाखरा के करीब जाता होगा उसे अपनी पहली बीवी की याद आ जाती होगी, और फाखरा जब मकतूल के करीब होती होगी तो उसे अपना शोहर बेगाना बेगाना सा महसूस होता होगा। इस अवी के हवाले से मेरा जहन साफ हो गया तो मैंने अपनी तमाम तर तवज्जो मकतूल को पेश आने वाले वाक़े की तरफ मबजूल कर दी। मैंने चौधरी तनवीर से पूछा, ये डेरा झूरी नामी किसी शख्स के तसरुफ में रहता है और उसकी मदद के लिए भी यहाँ 2 अफराद मौजूद होते हैं, मैं ज़रा उनसे मिलना चाहूँगा, मुमकिन है कातिल तक पहुँचने के लिए कोई सुराग वगैरह हाथ लग जाए। ये 3 अफराद कहाँ मिलेंगे? चौधरी तनवीर ने बताया, मुझे पता चला है मंजूर उर्फ झूरी को भाई जी ने अपने किसी ज़रूरी काम के लिए लंगरवाल भेजा हुआ है। वो मौजा लंगरवाल से आज शाम तक वापस आएगा, उधर लंगरवाल में हमारी इकलौती बहन आमना रहती है। मैं नहीं जानता भाई जी ने झूरी को लंगरवाल क्यों भेजा था, मुमकिन आमना के लिए कुछ भिजवाया हो। और वो दोनों अफराद कहाँ हैं जो झूरी की मदद करते हैं? उनके नाम मुश्ताक और हैदर मलक साहब, चौधरी तनवीर ने बताया। आपकी आमद से थोड़ी देर पहले वो दोनों यहाँ मौजूद थे, अब कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ठहरे, मैं उन्हें बुलवाता हूँ, लगता है वो गाँव की तरफ निकल गए हैं। अगर वो जंडियाला की तरफ निकले हैं तो उन्हें उधर ही निकला रहने दो, मैंने हाथ के इशारे से उसे मना करते हुए कहा। मैं भी उधर जाने का इरादा रखता हूँ, तुम्हारी भाभी और मकतूल की बीवी फाखरा से भी तो मुझे 4 बातें करनी है, वो बेचारी बड़ी गमजदा होगी, इसी बहाने उसका दिल हल्का हो जाएगा। ठीक है, चौधरी तनवीर ने मजबूत लहजे में कहा, यहाँ डेरे पर आपका और काम बाकी है या हम हवेली की तरफ चलें? मौका की कार्रवाई तो मुकम्मल हो चुकी, मैंने खड़े होते हुए कहा। मेरा ख्याल है हमें गाँव की तरफ ही चलना चाहिए। ये सच है कि मैंने उस डेरे का तफसीली मुआयना कर लिया था, खास तौर पर मैंने उस कमरे का बड़ा तनकीदी जायजा लिया था जहाँ एक रंगीले पलंग पर चौधरी जहीर की 2 लख्त लाश पड़ी मिली थी। वो डेरा भी आम डेरों ही की तरह का था, जिसके एक सिरे पर 3 मुख्तलिफ साइज़ के कमरे बने हुए थे, जिनमें 2 कमरे डेरे की शुमाली दीवार के साथ और तीसरा उन्हीं से मिला हुआ मगर भी दीवार के साथ वाकया था। दरअसल ये 3ों कमरे इस सूरत आपस में जुड़े हुए थे कि अंग्रेजी का हरफ एल बन रहा था। शुमाली दीवार वाला पहला कमरा लबूतरा सा था, जिसमें नकारा और करामद ज़रई आलात के अलावा जानवरों के चारे का मकूल जहीरा मौजूद था। इसके बाद वो कमरा था जो मकतूल के लिए मखसूस था। मस्कूरा कमरा दीगर 2 कमरों के दरमियान शुमाली और मगरबी दीवार के साथ वाकया था। इसके बाद मगरबी दीवार वाला कमरा मुरब्बा शक्ल का था और ये कमरा झूरी के इस्तेमाल में रहता था। उन 3ों कमरों में दीवार वाली साइड में 1-1 खिड़की भी मौजूद थी, लेकिन मकतूल वाला कमरा इस हवाले से बाकी 2 कमरों से मुख्तलिफ था कि उसमें 2 दरवाजे थे। दूसरा दरवाज़ा शुमाली दीवार के कोने में वाकया था, जो बाहर जाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। ताहम जब मैं चाय वकुआ पर पहुंचा तो वह दरवाज़ा बंद था और अंदर से उसकी कुंडी चढ़ी हुई थी। उन 3ों कमरों के सामने एल शेब बरामदा भी था। डेरे का बाकी हिस्सा सैन की सूरत खुला था, जिसमें मुख्तलिफ सायादार दरख्त सादा थे और मगरबी दीवार के एक हिस्से में 3-4 जानवर भी बंदे दिखाई देते थे। थोड़ी देर के बाद मैं चौधरी तनवीर के साथ उसकी हवेली पहुँच गया।
حوالدار صوبے خان نے موقع پر موجود افراد سے خاصی تفصیلی پوچھ گچھ کی تھی اور اسپتال روانہ ہونے سے قبل اس نے مجھے اپنی کارکردگی کی رپورٹ بھی دے دی تھی، جس کے مطابق وہ لوگ چودھری ظہیر کے قتل یا قاتل کے بارے میں کوئی خاص بات نہیں جانتے تھے۔ مجھے امید تھی کہ بیوہ فاخرہ، جھوری، مشتاق یا حیدر میں سے ضرور کوئی اس معاملے پر روشنی ڈال سکے گا۔ چودھری تنویر نے اپنا شک ملک خدا بخش شاف کرما والی پر ظاہر کیا تھا۔ میں نے اس لیے میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ملک خدا بخش کو بھی ضرور ٹچ کروں گا، اگرچہ مجھے اس کے مجرم ہونے کے امکانات دکھائی نہیں دیتے تھے۔ چودھری تنویر کے مطابق ملک خدا بخش نے ان کی 5 ایکڑ اراضی پر ناجائز قبضہ کر رکھا تھا۔ قاصب اور قابض شخص کی نظر زمین و جائیداد پر ہوتی ہے، وہ عموماً خون خرابے والے معاملے میں ہار ڈالنے کی کوشش نہیں کرتا۔ چودھری تنویر نے مجھے حویلی کی سجی سجائی بیٹھک میں بٹھایا اور خود یہ کہہ کر باہر نکل گیا، میں بھابھی جان کو آپ کی آمد کی اطلاع دے کر آتا ہوں۔ میں اس بیٹھک کی سجاوٹ اور شان و شوکت کو دیکھتے ہوئے چودھری ظہیر کے قتل کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں نے مقتول کے چہرے کو دیکھ کر 40 اور 42 کے درمیان اس کی عمر کا اندازہ قائم کیا تھا۔ چودھری تنویر نے اپنی عمر 25 سال بتائی تھی، ان کی اکلوتی بہن آمنہ ترمیانی اولاد تھی، اس کی عمر اس وقت 30 کے قریب تھی۔ 6 سال قبل اس کی شادی لنگر وال کے فضل داد مہر سے ہوئی تھی۔ وہ ادھر لنگر وال میں اپنے خامند اور 3 بچوں کے ساتھ راضی خوشی رہتی تھی۔ تنویر نے مجھے یہ بھی بتایا کہ چودھری ظہیر کے قتل کا علم ہوتے ہی اس اندھوناک واقعے کی اطلاع کے لیے موزہ لنگر وال اور موزہ مکھن پور بندے دوڑا دیے گئے ہیں۔ چودھری کو جتنی صفاقی سے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا تھا وہ رونگڑے کھڑے کر دینے والا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا قاتل چودھری ظہیر سے شدید نفرت کرتا تھا۔ میں نے اس نقطے پر بڑی سنجیدگی سے غور کیا کہ مقتول کو 2 حصوں میں بانٹنے کے لیے قاتل نے کون سا آلہ قتل استعمال کیا ہوگا۔ وہ کسی چھری، چاقو یا خنجر کا کام نظر نہیں آتا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آری کی مدد سے اس کو کاٹ کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا ہو، بالکل جیسے کوئی بڑھئی لکڑی کے موٹے شتیر کو کاٹتا ہے یا جیسے محکمہ جنگلات والے بڑے گھیر والے درخت کے تنے کو کاٹ ڈالتے ہیں۔ وقوع کی صورتحال بتاتی تھی۔ چودھری ظہیر کو کہیں اور قتل کرنے کے بعد لا کر ڈیرے پر پھینکا گیا تھا۔ واقعات کے مطابق مقتول وہ رات گزارنے ڈیرے پر آیا تھا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ پہلے چودھری ظہیر کو ڈیرے سے اغوا کر کے کہیں اور پہنچایا گیا تھا اور قتل کے بعد دوبارہ ڈیرے پر پہنچا دیا گیا تھا۔ میرا ذہن یہ سوچنے سے باز نہ آیا کہ قتل کی یہ لرزہ خیز واردات کسی اکیلے شخص کا کام نہیں تھا اور اس نوعیت کا کام چودھری کا کوئی شدید دشمنی کر سکتا تھا۔ میں نہ جانے کتنی دیر انہی سوچوں میں گم رہا۔ چودھری تنویر کے اندر داخل ہونے پر میں خیالوں کی دنیا سے لوٹا تھا۔ بھابھی جان کی حالت تو بہت خراب ہے، بھائی جی کی موت نے ان پر بڑا گہرا اثر کیا ہے، وہ غم میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا۔ بہرحال میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ آپ ان سے تھوڑی پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں، امید ہے تھوڑی دیر میں وہ خود کو سنبھال لیں گی، اس نے مجھے بتایا۔ اور وہ دونوں کہاں ہیں جو ادھر ڈیرے پر جھوری کی مدد کرتے تھے؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ مشتاق اور حیدر، میں نے پتہ کرا لیا ہے، وہ دونوں ادھر گاؤں ہی میں ہیں، چودھری تنویر نے جواب دیا۔ میں نے انہیں یہاں بلانے کے لیے بندہ بھیج دیا، وہ تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ وہ لمحے بھر کے لیے تما، پھر گہری سنجیدگی سے بولا، ان دونوں میں حیدر زیادہ ہم ہے، اس سے پوچھ گچھ کے نتیجے میں شاید کوئی کام کی بات سامنے آ جائے۔ میں نے چونک کر چودھری تنویر کی طرف دیکھا اور پوچھا، حیدر کی اہمیت کس حوالے سے ہے؟ چودھری تنویر نے جواب دیا، بھائی جی کی لاش حیدر ہی نے دریافت کی ہے جناب۔ ہو ہو، میں نے گہری سانس خارج کی اور کہا، ہاں پھر تو وہ واقعی بہت اہم بندہ ہے۔ جب تک حیدر اور مشتاق وہاں پہنچ نہیں گئے میں چودھری تنویر سے باتیں کرتا رہا۔ میری کوشش تھی کہ کوئی ایسا سرا ہاتھ آ جائے جو چودھری ظہیر کے قاتل تک میری رہنمائی کر سکے۔ دیگر سوالات کے علاوہ میں نے چودھری تنویر سے پوچھ لیا، تم نے بتایا کہ تمہارے بھائی جی نے اپنی بیوی کی موت کے بعد زندگی بھر شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور پھر جب چودھری ہور حیات مرحوم نے دہری نہ دشمنی ختم کرنے کے لیے اپنی بیٹی فاخرہ کے رشتے کا آئیڈیا تمہارے ابا جی مرحوم کو دیا، تو تمہارے ابا جی کو تم نظر کیوں نہیں آئے؟ فاخرہ کی شادی تم سے بھی تو کرائی جا سکتی تھی، ایسا کرنا ابا جی نہیں چاہتے تھے، چودھری تنویر نے جواب دیا۔ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ کون سی 2 وجوہات؟ اس کی بات مکمل ہوتے ہی میں نے پوچھ لیا۔ ایک لمحے کو خاموش رہنے کے بعد اس نے بتایا، پہلی وجہ تو یہ تھی کہ اس وقت تک میری شادی ہو چکی تھی۔ اچھا، میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، کیا تم واقعی شادی شدہ ہو؟ ایسے لگتے تو نہیں ہو۔ اس نے بتایا، میری شادی بھائی جی کی دوسری شادی سے 1 سال پہلے ہو گئی تھی، اور جب بھائی کی شادی کا معاملہ چلا
तो उस वक़्त मैं एक बच्चे का बाप भी बन चुका था, और अब तो मेरे तीन बच्चे हैं, एक बेटा और दो बेटियाँ। ये तो बड़ी ठोस वजह बताई तुमने, मैंने इस बात में गर्दन ही लाते हुए कहा, और दूसरी वजह कौन सी है? चौधरी तनवीर ने एक बोझल सांस खारिज की और बताया, भाई जी बिल्किस भाभी के इंतकाल के बाद बहुत ज़्यादा खामोश और दुखी रहने लगे थे, उनकी ये हालत हम लोगों से देखी नहीं जाती थी। अब्बा जी भी इस बात पर बहुत कुड़ते थे, उन्होंने कई मरतबा भाई जी से कहा कि वो दूसरी शादी कर लें, लेकिन उन्होंने हमेशा इनकारी किया। फिर जब फाखरा भाभी वाले मामले में अब्बा जी ने अपनी आखिरी ख्वाहिश की शर्त लगा दी, तो भाई जी को उनके सामने हथियार फेंकना ही पड़े। क्या तुम भी अपनी फैमिली के साथ इसी हवेली में रहते हो? जी हाँ, उसने जवाब दिया। हम अभी यही बातें कर रहे थे कि हैदर और मुश्ताक वहाँ पहुँच गए। वो दोनों आम और वाजिबी सी शक्ल सूरत के मालिक थे, उनके हुलिये में ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी जिसे बयान किया जा सके। वो दोनों गुज़िश्ता शाम झूरी को डेरे पर छोड़कर गांव आ गए थे। उस वक़्त तक चौधरी ज़हीर डेरे पर नहीं पहुंचा था। आज सुबह हैदर अकेला ही डेरे की तरफ गया था। मुश्ताक का बच्चा बीमार था और उसने हैदर को बता दिया था कि वह दोपहर के बाद उसके पास पहुँचेगा, लेकिन दोपहर से पहले ही यह भयानक इंकशाफ हुआ कि किसी ने बड़े वहशियाना अंदाज में काट कर चौधरी ज़हीर को मौत के घाट उतार दिया है। मैंने मुश्ताक से चंद सवालात करने के बाद उसे फारिग कर दिया और पूरी तरह हैदर की तरफ मतवज्जो हो गया। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, तुम लोग झूरी की किस तरह मदद करते हो? मैंने मुश्ताक को फारिग करते ही वहाँ से रुखसत कर दिया था, और इस वक्त मेरे अलावा इस बैठक में हैदर और चौधरी तनवीर मौजूद थे। हैदर ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, जनाब चौधरी साहब की ज़मीनें बहुत दूर तक फैली हुई हैं, जहाँ ज़ाहिर हर किस्म की काश्तकारी होती है। झूरी काश्तकारी की निगरानी करता है, और इसी सिलसिले में वो हमें जो भी हुक्म देता है हम तोड़ पड़ते हैं। मसलन जाकर देखो, फलां खेत तक पानी पहुंच गया, आप फलां खेत में जो मजदूर फसल की कटाई कर रहे हैं वो अपना काम दयानदारी से कर रहे हैं या बैठे गप्पे हाँ करें, वगैरह वगैरह। इसके अलावा हम डेरे पर मौजूद जानवरों की देखभाल भी करते हैं, उनमें भी महास तौर से भैंसों की, क्योंकि भैंसों का दूध हवेली में आता है। मैंने डेरे पर चार पाँच हट्टी कट्टी भैंसें खड़ी देखी थी। मैंने इस बात में सर हिलाया और हैदर से पूछा, क्या उन भैंसों का दूध भी तुम ही लोग निकालते हो? जी हाँ, उसने जवाब दिया। मैंने पूछा, सुबह में या शाम में? शाम में। क्या गुज़िश्ता शाम भी तुम लोगों ने भैंसों का दूध निकाला था? मैंने इस्तफ़सार किया। जी निकाला था, और मैंने अकेले ये काम किया था, हैदर ने बताया। मुश्ताक के बच्चे की कल सुबह से तबीयत ठीक नहीं, इसलिए आज मुझे अकेले ही डेरे पर जाना पड़ा था। मुश्ताक कल दोपहर के बाद डेरे से घर वापस आ गया था। मैंने हंसपे मामूल बारी बारी भैंसों का दूध निकाला, फिर उस दूध को ड्रम में डाला और बैलगाड़ी पर रखकर हवेली चलाया था। जब तुम डेरे से रुखसत हुए तो क्या झूरी वहाँ मौजूद था? मैंने कहा, हम सवाल किया। जी हाँ, झूरी वहीं था, उसने जवाब दिया। क्या झूरी ने तुम्हें बताया था कि आज रात चौधरी ज़हीर उस डेरे पर आएगा? नहीं जनाब, उसने ऐसी तो कोई बात नहीं की थी। आपने बारे में कुछ बताया हो? वो उलझन सदा नज़र से मुझे देखने लगा। मैं ताड़ गया कि मेरा सवाल उसकी समझ में नहीं आया था। मैंने उसके तजबजब को रफा करने के लिए फौरी तौर पर वजाहत कर दी, मेरा मतलब है कि क्या झूरी ने तुम्हें बताया था कि वो तुम लोगों के आने के बाद मौजा लंगरवाल जाएगा? ना जी, उसने ये तो नहीं बताया था, हैदर ने दुटोक अंदाज में कहा। मैंने सवालात के जावी को थोड़ा तब्दील कर दिया और हैदर से पूछा, आज सुबह जब तुम मामूल के मुताबिक डेरे पर गए तो तुमने वहाँ क्या देखा? हैदर ने जवाब देने से पहले चंद लम्हा तक सोचती हुई नज़र से मुझे देखा, जैसे जहन में ख्यालात को मुजतम कर रहा हो। फिर उसने मुतदर लहजे में बताना शुरू किया, जनाब मैं सीधा डेरे पर पहुँचा तो मुझे अजीब सा एहसास हुआ, यूँ लगा जैसे वहाँ कोई मौजूद ना हो। हर तरफ एक सन्नाटा सा छाया हुआ था, पहले कभी ऐसी वीरानी महसूस नहीं हुई थी। अमूमन झूरी मुझे डेरे के सहन ही में नज़र आ जाता था या फिर सामने वाले कमरे में, लेकिन मैंने हिलाफे मामूल झूरी के कमरे का दरवाज़ा बंद देखा था। मुझे हैरत हुई, हैरत इस बात पर भी थी कि दरमियानी कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। दरमियानी कमरे यानी तुम उस कमरे की बात कर रहे हो जो चौधरी साहब के आराम के लिए मखसूस है? मैंने कथा कलामी करते हुए हैदर से सवाल किया। जी हाँ जी हाँ, हैदर ने बड़ी तेज़ी से इस्बात में गर्दन हिलाई। मैंने ड्रामाई अंदाज में कहा, तुमने देखा कि झूरी वाले कमरे का दरवाज़ा बंद था और चौधरी साहब वाले मखसूस कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था? यह देखकर तुम्हें शदीद हैरत हुई, तुमने अपनी हैरत से मजबूर होकर अब क्या किया था? जनाब मैंने बेसाख्ता झूरी को आवाज़ दी थी ताकि सूरत हाल के बारे में उसे पूछ सकूँ, हैदर ने थूक निकलते हुए बताया, लेकिन जब मेरी पुकार का जवाब ना आया तो मुझे उलझन ने घेर लिया। मैंने कदरे बुलंद आवाज़ में झूरी को पुकारा, इस मरतबा भी मुझे झूरी की आवाज़ सुनाई ना दी। मैं समझ गया कि वो डेरे पर मौजूद नहीं। मैं सकता मेरे कदम उस कमरे की जानिब बढ़ने लगे जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था, यानी तुम बेख्तियार चौधरी साहब के कमरे की तरफ बढ़ गए थे।
मैंने सनसनी खैज लहजे में कहा। फिर पूछा, अब इसके बाद क्या हुआ था? कमरे के अंदर ज़्यादा रोशनी नहीं थी, मैं ऐसा कमरे के अंदर नहीं जाया करता था। आज खुद मुझे और मुश्ताक को चौधरी साहब के कमरे में जाने की इजाज़त नहीं थी। आप वो खुद किसी काम से बुलवाएं तो दूसरी बात है, लेकिन आज सुबह डेरे पर जिस सूरत हाल से मेरा पाला पड़ा उसने मेरे जहन से निकाल दिया कि चौधरी साहब ने मुझे बुलाया है या नहीं। मैं खुले हुए दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजे की चौखट को थाम कर अंदर झांका। अगले ही लम्हे मुझे पता चल गया कि वो दरवाज़ा खुला हुआ क्यों था। हैदर ने एक छोछरी ली और सरासीमा लहजे में बोला, जनाब अंदर पलंग पर किसी इंसान के दो टुकड़े हुए पड़े थे। मेरा तजस्सुस खींच कर मुझे कमरे के अंदर ले गया। मैं चौधरी साहब वाले पलंग के करीब पहुंचा और उसी वक्त मुझे पता चला कि वह चौधरी साहब ही की लाश है। इतना बताकर वह खामोश हो गया। उसकी आंखों और चेहरे से दहशत हो यहाँ थी। यह उस मंजर का असर था जो आज सुबह उसने डेरे पर मकतूल चौधरी जहीर के कमरे में देखा था। वाकई वो एक ऐसा ही मंजर था कि जो याददाश्त को तलपट करके रख दे, जहन और दिल को खौफ हिरास में जकड़ ले और ज़ुबान को गुंग करके रख दे। मैंने हैदर की आंखों में देखते हुए कहा, फिर तुम उस डेरे से वापस आ गए थे है ना? जी थानेदार साहब। उसने एक मरतबा फिर छोछरी ली और कहने लगा, मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे अचानक मेरे पर उगाए हों, पाँव में किसी तेज़ रफ्तार ट्रेन के पहिए लग गए हों। मैंने आओ देखा न ताओ भागम भाग हवेली पहुँचा और यहाँ आकर छोटे चौधरी साहब को सारा मुआवजा सुना दिया। बात खत्म करते ही उसने चौधरी तनवीर की तरफ देखा। छोटे चौधरी से हैदर की मुराद वही था। चौधरी तनवीर ने कहा, मलक साहब ये एक ऐसी इतला थी कि सुनते ही फरिश्ते छोड़ गए। पहले तो मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आया और जब यकीन आया तो मैं अफरा तफरी के आलम में सीधा डेरे पर पहुंचा। फिर जब सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देख लिया तो मेरा दिलो दिमाग उलट कर रह गया। इतना बड़ा सदमा आज से पहले मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आया था। पहले अम्मा जी और कई साल बाद अब्बा जी की मौत ने मेरे दिलो दिमाग को बुरी तरह मुतासर किया था। मैं समझता था कि इससे ज़्यादा दुखी मैं फिर कभी नहीं होऊंगा, लेकिन भाई जी की कटी हुई लाश ने पिछले तमाम सदमों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शिद्दत जज्बात और गम के बोझ से उसकी आवाज़ दबकर रह गई। वह शकिस्ता लहजे में बोला, मलक साहब इसके बाद मैंने अपने एक बंदे को आपकी तरफ दौड़ाया और डेरे पर रुककर आपकी आमद का इंतज़ार करने लगा। मैंने हैदर से दो चार मजीद सवाल किए और उसे जाने की इजाज़त दे दी। अब उस आरास्ता पैरास्ता बैठक में मैं और चौधरी तनवीर रह गए। चौधरी का चेहरा उधरा हुआ था और आंखें वीरान थी। उस पर जो क़यामत गुजरी थी मैं उसे बखूबी समझ और महसूस कर सकता था। मैंने हमदर्दाना लहजे में कहा, चौधरी तनवीर मैं तुम्हारे दुख को पूरी तरह महसूस कर रहा हूँ, तुम फिक्र नहीं करो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे भाई के कातिल तक पहुँच कर दिखा दूंगा और उसे ऐसी इबरतनाक सजा दिलवाऊंगा कि उसकी मौजूदा और आने वाली नस्लें उसे याद करके कांप उठेंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। वो रूहान से लहजे में बोला, लेकिन मेरे भाई जी तो वापस नहीं आएंगे ना तनवीर? मैंने दिलासा देने वाले अंदाज में कहा, तुम कोई बच्चे नहीं हो, माशाल्लाह जवान जहान हो और खुद बच्चों वाले हो, मैं तुम्हें क्या समझाऊँ? तुम अच्छी तरह जानते हो जो एक मरतबा इस दुनिया से चला जाता फिर कभी लौट कर नहीं आता, खुद को संभालने की कोशिश करो। यही कोशिश तो कर रहा हूँ जनाब, वो टूटे हुए लहजे में बोला, नहीं तो मैं भी भाई जी की लाश को देखते ही वहीं ढेर हो जाता। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद है, मैंने तशफ़ी भरे अंदाज में कहा, तुम्हें खुद को संभालना ही होगा। अब तुम इस घर इस हवेली और इस गाँव के बड़े हो, तुम्हें न सिर्फ ये कि अपने घर वालों को बल्कि गाँव वालों को भी संभालना है। अब सबकी आसें और उम्मीदें तुम्हीं से बंधी हैं। मेरी तसल्ली और दिलासे ने चौधरी तनवीर को काफ़ी हद तक नॉर्मल कर दिया। मैं चौधरी की दिलजोई के साथ ही कत्ल की इस भयानक वारदात के बारे में भी मुसलसल सोच रहा था। दरअसल जो लोग किसी मखसूस पेशे से वाबस्ता होते हैं उनके सोचने और समझने का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। वो चाहे दुनिया के किसी भी बखेड़े में क्यों ना उलझे पड़े हों, लेकिन उनका दिमाग मुसलसल अपने मकसद के बारे में सोचता रहता है। प्रोफेशनल हजरात और खवातीन मेरी बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं। मैं उन लम्हात में बज़ाहिर चौधरी तनवीर का हौसला बढ़ा रहा था, लेकिन उसके साथ ही मेरा जहन अपने काम में भी मसरूफ़ था। एक लम्हे के लिए भी इस मकसद से मेरा ध्यान नहीं हटा था और सोच विचार के दौरान मेरे जहन में एक अहम नुकता उभरा। मैंने इस नुकते की रोशनी में चौधरी तनवीर से पूछ लिया, तनवीर थोड़ी देर पहले मैंने जब तुमसे झूरी के बारे में पूछा था तो तुमने बताया था मकतूल ने उसे किसी ज़रूरी काम से लंगरवाल भेजा हुआ है और ये कि वो आज शाम तक वापस आ जाएगा। जी हाँ, उसने इस बात में गर्दन हिलाई, मैंने आपको यही बताया था और साथ ही ये भी कहा था कि मुमकिन है भाई जी ने आमना बाजी के लिए कुछ भेजा हो। हमारी इकलौती बहन आमना अपने शौहर और बच्चों के साथ उधर लंगरवाल में रहती है। ये सब ठीक है, मैंने बड़ी रसान से कहा, लेकिन एक बात मेरे जहन को बुरी तरह उलझा रही है। कौन सी बात मलक साहब? मेरे खामोश होने पर उसने पूछा। मैंने मुतजब्ज़ुब अंदाज में कहा, भी तुम्हारे सामने मैंने हैदर से खासी तवील पूछताछ की है। उसने बताया कि गुज़िश्ता रोज़ जब वो भैंसों वाले दूध के ड्रम को
बैल गाड़ी पर रखकर डेरे से रवाना हुआ था तो उस वक्त झूरी डेरे पर मौजूद था और ये भी कि झूरी ने हैदर से ऐसी कोई बात नहीं की कि वो लंगरवाल जाने का इरादा रखता है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि झूरी ने अपने लंगरवाल जाने के बारे में बताया था या फिर भाई जी ने ऐसा कोई तذکرہ किया था। ना भाई जी ने ऐसी कोई बात की, वो सादगी से बोला, और ना ही झूरी ने मुझे इस बारे में कुछ बताया था। तो फिर क्या तुम्हें कोई ख्वाब वगैरह आया था? नहीं जनाब, ऐसी भी बात नहीं है। वो जी ये बात मुझे भाभी जान ने बताई थी। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखकर पूछा, यानी मकतूल की बेवा फाखरा ने? अब बिल्कुल जनाब, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि भाई जी झूरी को लंगरवाल भेजेंगे। ये अंदाज़ा मैंने अपने तौर पर कायम किया कि हो सकता है भाई जी ने आमनाबाजी के लिए कुछ भिजवाया हो। ठीक है, तुम अंदर जाओ और देख कर आओ कि फाहरा की तबीयत अब कैसी है, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। बाकी की बातें मैं तुम्हारी भाभी से पूछ लूँगा। वो खामोशी से उठा और हवेली के अंदरूनी हिस्से की जानी बढ़ गया। मैंने ये महसूस किया कि उन लोगों से साथ नौयत की तफ्तीश करना हासा तकलीफ दे काम होता है, जिन पर कोई उस्ताद टूट पड़ी हो, जैसा कि चौधरी तनवीर उसकी भावच फाखरा। ऐसे लोग गम के बोझ तले दबे होते हैं, उन्हें कुरेदना हासा दिल गुर्दे का काम है। लेकिन बहरहाल फ़र्ज़ की राह में ये सब कुछ तो करना ही पड़ता है। अभी तक ये तफ्तीश मुशाहदे शुनीद और तजर्बे से मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि इस केस में झूरी का अहम किरदार था। वो मकतूल चौधरी जहीर का ख़ास आदमी था, चुनाचा उसके बहुत से राजों का अमीन भी था, और वही अल्लाह का बंदा इस वक्त मेरी दस्तरस में नहीं था। उसे एक भरपूर मुलाकात के लिए मुझे शाम तक उसकी वापसी का इंतज़ार करना था। दूसरा अहम किरदार मकतूल की बीवी फाखरा थी। बीवी भी शौहर के बहुत करीब होती है और उसकी अच्छी बुरी आदतों से बखूबी वाकिफ भी, और अगर इतफाक़ से मियाँ बीवी में बनती ना हो तो बीवी शौहर के मामलात पर कुछ ज़्यादा ही कड़ी नज़र रखती है। मकतूल और फाखरा के दरमियान बकौल तनवीर के कुछ ऐसे हालात थे, लिहाजा फाखरा से होने वाली मुलाकात हासी मुफीद साबित हो सकती थी। मैं इसी सोच विचार में गलता था कि चौधरी तनवीर बैठक में दाखिल हुआ और आते ही उसने कहा, मलक साहब आ जाएं, भाभी जी कुछ संभल गई हैं। मैं उठा और उसके साथ हवेली के अंदरूनी हिस्से में पहुँच गया। वो मुझे मुख्तलिफ बरामदों और आतरियों में चलाते हुए एक बेडरूम नुमा कमरे में ले आया। बाद में मुझे पता चला कि वह फाखरा की खाबगाह थी। मकतूल की जो रातें हवेली में गुजरती, वह अपनी बीवी फाखरा के साथ ही इस खाबगाह में रहता था। फाखरा दिलकश नक्शो नगार की मालिक एक खूबसूरत औरत थी, लेकिन बेवगी के कड़े असरात ने उसके हुस्न और शादाबी को गहना कर रख दिया था। वह हंसी सोई सोई रोई रोई खोई खोई नजर आती थी। उसकी उम्र का अंदाज़ा मैंने 30 के आसपास कायम किया। बदअज़ा मेरा यह अंदाज़ा 100% दुरुस्त साबित हुआ। चौधरी तनवीर ने आवाज़ बुलंद फाखरा को मेरी अम्मा से मुतला किया और उसने निगाह उठाकर बड़े सगवार अंदाज में मुझे देखा। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मुजस्म परेशानी हैरानी और वैरानी से मेरी आंखें चार हो गई हों। फाखरा की हालत पर मुझे दिली दुख हुआ। चौधरी तनवीर ने नहायत ही मुतसर अल्फाज में अपनी भावच को मेरे बारे में बताया और कहा, मलक साहब ज़रूरी कार्रवाई करने आए हैं, ये जो कुछ भी पूछें आप उन्हें ठीक ठीक बता दें। इन्हें हमसे बहुत हमदर्दी है और ये हमारे साथ तावुन से जल्द अज जल्द भाई जी के कातिल तक पहुँचना चाहते हैं ताकि उसे इबरतनाक अंजाम से दोचार कर सकें। फाखरा ने एक मरतबा फिर जख्मी निगाह से मुझे देखा और गर्दन झुका ली। उसने अभी तक अपनी ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी अदा नहीं किया था। चौधरी तनवीर ने मुझसे कहा, मलक साहब आप भाभी जान से जो पूछना चाहते हैं वो पूछें, मैं इधर ही बैठा हूँ। नहीं तनवीर, इन्हें यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं, मैंने दो टोक अंदाज में कहा। मैं तुम्हारी भाभी से तन्हाई में बात करना चाहता हूँ। और लेकिन जनाब मैं तो घर का आदमी हूँ और मैं जानता हूँ चौधरी तनवीर, मैंने हतमी लहजे में कहा, तुम घर के आदमी हो, बल्कि अपने बड़े भाई की मौत के बाद तुम यहाँ के सबसे अहम शख्स हो, लेकिन मैं फिर भी अलहदगी में मकतूल की बेवा से बात करना चाहूँगा। तुम उसे कानूनी ज़रूरत या मेरी मजबूरी समझ सकते हो। उसने मुझसे मज़ीद कोई बहस न की और खामोशी के साथ उस खाबगाह से निकल गया। वो न सिर्फ ये कि वहाँ से रुखसत हो गया, बल्कि जाते जाते वो खाबगाह के दरवाजे को भी भिड़ गया था। मैं उसकी इस हरकत का मतलब पलक झपकते में समझ गया। वो मेरे हुक्म पर ना चाहते हुए भी वहाँ से जाने के लिए मजबूर हुआ था। वो हमारे पास बैठकर हमारे दरमियान होने वाली बातें सुनना चाहता था और मैंने उसे इस चीज़ से महरूम कर दिया था, लेकिन वो महरूम रहने के लिए तैयार नहीं था। जब ही उसने खाबगाह के दरवाजे को भेड़ दिया था ताकि वो उस भेड़े हुए दरवाजे के कब में मौजूद रहकर हमारी गुफ्तगू को सुनने की कोशिश कर सके, अगर दरवाज़ा खुला रहता तो उसे अपने इस मकसद में यकीनी कामयाबी नहीं हो सकती थी, वो किसी भी वक्त मेरी निगाह में आ सकता था। चौधरी तनवीर की इस चाल नुमा हरकत से ये तो वाजह हो गया था कि वो जितना सीधा साधा और जज्बाती दिखाई देता था वो वैसा था नहीं। मैं उस सादा चालाक को उसके हाल पर छोड़कर फाखरा की तरफ मुतवज्जो हो गया। वो हुन्नूस गर्दन झुकाए बैठी थी। मैंने पुरखुलूस अंदाज में कहा, फाखरा मुझे तुम्हारे खाविंद की अलमनाक मौत का गहरा दुख है,
मैं चौधरी ज़हीर को दोबारा जिंदा तो नहीं कर सकता, लेकिन ये तुमसे मेरा वादा है कि मैं तुम्हारे शौहर के कातिल को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके आहनी सलाहों के पीछे पहुँचा दूँगा। उसने मुँह से एक लफ्ज़ नहीं निकाला और ऐसी नज़र से मुझे तकने लगी जैसे उसे मेरे कहे का यकीन ना आया हो। मैंने उसका एतमाद बहाल करने की गरज से नरम लहजे में कहा, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारे तावुन की ज़रूरत होगी, भरपूर तावुन। तुम्हारी मदद के बगैर मैं इस तफ्तीशी रास्ते पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकूंगा। उसके लबों में हल्की सी जुम्बश हुई, वह थरथराकर वाह हुए और मुतजब्जब अंदाज में बोले, मैं सिलसिले में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ थानेदार साहब? मैंने कहा, तुम अपने रजाकाराना तावुन से मुझे कातिल तक पहुँचाओगी, मगर कैसे, किस तरह? उसकी उलझन में इजाफा हो गया। मैं तुमसे जो भी सवाल करूँ उसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब देना, ठीक है? जी ठीक है, उसने इस बात में गर्दन हिलाई। पूछें? मैंने पूछा, मुझे पता चला है कि मकतूल चौधरी ज़हीर से तुम्हारी शादी एक जबर का नतीजा थी, तुम इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। मैं क्या, सिकंदर भाई को भी ये पसंद नहीं था कि मेरी शादी चौधरी ज़हीर से हो? उसने धीमे लहजे में कहा, लेकिन अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं। मैंने और सिकंदर भाई ने आबाजी की आखिरी ख्वाहिश समझते हुए ये कड़वा खून भर लिया था। मैंने सुना है उस तरफ जंडियाला में भी कुछ इसी किस्म की सूरत हाल थी, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मेरी कोशिश तो यही थी कि हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू के अल्फाज चौधरी तनवीर के कानों तक ना पहुँचे। ज़हीर, तनवीर और आमना को भी ये रिश्तेदारी पसंद नहीं थी, लेकिन तुम लोगों की तरह उन्होंने भी चौधरी खलील की आखिरी ख्वाहिश के सामने गर्दन झुका दी थी। हाँ, कुछ ऐसा ही मैंने भी सुना है, वह गहरी अफसरदगी से बोली। लेकिन इससे क्या होता है? कमाल है, मैंने हैरत अमेज अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए कहा, इससे बहुत कुछ हुआ था। चौधरी खलील और चौधरी खावर हयात के दरमियान पलने वाली दुश्मनी ख़त्म हो गई। दोनों ने अपनी आखिरी ख्वाहिश के पर्दे में दो ख़ानदानों को एक करके खूनरेजी के मुतवक्को तूफान को हमेशा हमेशा के लिए रोक दिया था। ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। आप ठीक कहते हैं थानेदार साहब, वह बदस्तूर अफसरदा लहजे में बोली। ये वाकई एक बहुत बड़ा कारनामा था। आबाजी और मेरे ससुर जी की कोशिशों से दो ख़ानदान मिलकर एक हो गए, मगर फाखरा ने मानी ख्याज अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ा तो बेचैनी मुझे सताने लगी। मैंने सरारी लहजे में उसे इस्तफ़सार किया, मगर क्या फाखरा? मगर ये कि दो ख़ानदानों का मिलाप तो हो गया, लेकिन दो दिल, दो जहन एक दूसरे से ना मिल सके। फाखरा ने बड़ी गहरी बात की थी, अगर मैं चौधरी तनवीर की ज़ुबानी उन दोनों ख़ानदानों की तारीख से आगाह ना हो चुका होता तो मैं फाखरा की इस रमजिया बात को समझ नहीं सकता, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में मुझे किसी किस्म की कोई दुश्वारी महसूस ना हुई। मैंने दोस्ताना और मुखलिसाना लहजे में कहा, फाखरा, मैं तुम्हारे मसाइल को अच्छी तरह समझ और महसूस कर सकता हूँ। उसने मुझे आगे बोलने नहीं दिया और कदा कलामी करते हुए हाथ से तलख लहजे में बोली, थानेदार साहब, आपके समझने और महसूस करने का क्या फ़ायदा? जिसे समझना और महसूस करना चाहिए था वो तो, खैर आप तो इस जिक्र की भी कोई ज़रूरत है और ना ही कोई फ़ायदा। मैंने बुज़ुर्गों से सुन रखा है, मरने वालों की बुराई करना चाहिए ना ही उनका शिकवा। तुमने बिल्कुल दुरुस्त सुन रखा है फाखरा, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, लेकिन मैं इस मौजू से सरफ नज़र नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे शौहर चौधरी ज़हीर के कत्ल के सिलसिले में तहकीकात कर रहा हूँ, लिहाजा मकतूल की ज़ात का हर हर पहलू ज़ेरे बहस आएगा। और मकतूल की ज़ात का एक पहलू ये भी है कि उसे अपनी दूसरी बीवी फाखरा से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। वो हर वक्त अपनी पहली बीवी के ख्यालों में गुम, ठंडी और गर्म दोनों किस्म की आहें भरता रहता था। उसके रवैये से कदम कदम पर यह ज़ाहिर होता था कि उसने किसी औरत से शादी ना की हो बल्कि एक सांस लेने वाले जानदार को हवेली में मुकीम कर लिया हो, जिसकी ज़रूरियात ज़िंदगी खाने पीने और पहनने ओढ़ने तक महदूद हों। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मैंने फाखरा की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। वो यक लख्त सिसक उठी, ताहम उसकी सिसकारी इतनी बुलंद नहीं थी कि हवा के दोष पर चौधरी तनवीर की समात तक रसाई हासिल कर सकती। मैंने हाफका के भिड़े हुए दरवाजे की जानब देखा, फिर फाखरा को मुखातिब करते हुए धीमे लहजे में कहा, फाखरा, तुम्हारी दर्द में डूबी हुई सिसकी ने मेरे सवाल का जवाब दे दिया है। मैं सवाल ऐसे तुमसे मजीद कुछ नहीं पूछूंगा, मैं तुम्हारे दुख और दर्द की गहराई तक पहुँच गया हूँ। तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं होने देना, मुझे यकीन है कोई हमारी बातें सुनने की कोशिश कर रहा है। उसने चौकन्ना नज़र से हाफका के गोशे गोशे को झांका, फिर मेरी तरफ़ देखते हुए बोली, लेकिन यहाँ तो हम दोनों के सिवा और कोई भी नहीं है। यहाँ नहीं, वह बाहर दरवाजे के साथ कान लगाए खड़ा है, मैंने आवाज़ को धीमा रखते हुए परेसरार लहजे में कहा। वो कौन? उसकी आवाज़ इस्तराब में डूबी हुई थी। तुम्हारा देवर चौधरी तनवीर। ओहो, उसने गहरी सांस खारिज की, फिर कहा, आप तनवीर को हमारी गुफ्तगू सुनने से क्या मतलब? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। समझ में तो मेरी भी नहीं आई, मैंने आम से लहजे में कहा, लेकिन मैं बहुत जल्द चौधरी तनवीर के मकसद
اور دلچسپی کا پتہ لگا لوں گا، اس کی طرف سے میرا دل مطمئن نہیں ہے۔ یہ شخص مجھے بھی عجیب ہی لگا، اکتاہٹ امیز انداز میں بولی۔ میں 2 سال سے اس حویلی میں ہوں، لیکن چودھری تنویر کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ کبھی تو یوں لگتا ہے کہ اس ظہیر کا مجھ سے بڑا اور کوئی خیر خواہ ہی نہیں، اور کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ چودھری ظہیر کا سگا بھائی نہ ہو۔ خیر، اس نے برا سا منہ بنا کر جملہ ادھورا چھوڑا اور گہری سانس لی، سلسلہ کرام کو جاری رکھتے ہوئے بولی، میں نے اپنے ابا جی چودھری ہاور حیات مرحوم سے کیا ہوا وعدہ نبھا دیا، ان کی آخری خواہش کو پورا کر دیا۔ حالات چاہے کیسے بھی رہے ہوں، ان 2 برسوں میں نے چاہے کتنی تکلیفیں کیوں نہ اٹھائی ہوں، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے حالات سے تنگ آ کر واپس مائکے چلی گئی ہوں۔ میں نے ظہیر کی آخری سانس تک اس کا ساتھ نبھایا، لیکن اب یہ میرے لیے ممکن نہیں رہا کہ اس حویلی کی قید میں زندگی بسر کروں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، فہرہ کے چہرے کے تاثرات بتاتے تھے کہ اس نے جی میں کچھ ٹھان رکھی ہے، وہ کسی ایسے حتمی فیصلے پر پہنچ چکی ہے جس کے بارے میں اس نے ابھی تک کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ میں نے اسے پوچھ لیا، فخرہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم نے آئندہ زندگی کے لیے کوئی لائے عمل تیار کر لیا، اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے نا تھانے دار صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ چودھری ظہیر کو پیش آنے والے اس اندھوناک واقعے کی خبر ادھر مکھن پور میں میرے بڑے بھائی چودھری سکندر حیات کو بھجوا دی گئی ہے، وہ شام سے پہلے پہلے جنڈیالہ پہنچ جائے گا۔ میں اسے اپنی پریشانیوں کے بارے میں بتاتی رہی ہوں، لیکن ہر مرتبہ میری بپتا سننے کے بعد اس نے یہی کہا تھا، فخرہ ابا جی کی آخری خواہش کا پاس کرنا ہے، زندگی کی آخری سانس تک، چاہے یہ تمہاری زندگی کی آخری سانس ہو یا چودھری ظہیر کی زندگی کی آخری سانس۔ وہ چند لمحات کے لیے متوقف ہوئی، پھر بوجھل آواز میں بولی، چودھری ظہیر کی زندگی کا چراغ کل ہو چکا ہے، گویا میں اس قید سے آزاد ہو گئی ہوں جو ابا جی کی آخری خواہش کی صورت میں مجھ پر مسلط کر دی گئی تھی۔ میں سکندر حیات سے 2 ٹوک انداز میں کہہ دوں گی کہ میں زیادہ سے زیادہ چودھری ظہیر کے چہلم تک اس حویلی میں رک سکتی ہوں، اس کے بعد میں سیدھی مکھن پور پہنچوں گی چنڈیالہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ کر۔ میں اس کے عزم استقلال کو دیکھتے ہوئے مشورہ دینے والے انداز میں کہا، ہر انسان اپنے حالات کو بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے اور اسے اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار بھی حاصل ہے۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا کہ تم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ غلط ہے یا درست، مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جب تک چودھری ظہیر کا قاتل قانون کی گرفت میں نہیں آ جاتا، تمہیں یہ حویلی اور چنڈیالہ چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہیے۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، میں چودھری ظہیر کے 40ویں تک تو یہاں رکنے کے لیے تیار ہوں، کیا آپ کو قاتل تک رسائی کے لیے 6 مہینے درکار ہیں؟ نہیں، اتنی لمبی مدت کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں انشاءاللہ چودھری ظہیر کے چہلم سے پہلے ہی اس کے قاتل کا سراغ لگا لوں گا، اس کے لیے تم مجھ سے تعاون کرو گی۔ تعاون والی بات آپ پہلے بھی 2 مرتبہ کر چکے ہیں، وہ یاد دہانی کرانے والے انداز میں بولی، اور میں نے آپ کو اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا، اب تک آپ نے مجھ سے جو بھی پوچھا ہے میں نے اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دیا، پوچھیں اگر کچھ مزید پوچھنے کو رہ گیا تو۔ میں نے بڑی گہری نظر سے فہرہ کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا، وہ پہلے جیسی افسردہ اور غمزدہ دکھائی نہیں دیتی تھی، یا تو اس نے بڑی بہادری سے خود کو سنبھال لیا تھا، یا پھر وہ اتنی دکھی اور ملول تھی ہی نہیں جیسا اس نے شروع میں ظاہر کیا تھا، وہ محض افسردگی کی اداکاری کر رہی تھی۔ میں مقتول چودھری ظہیر کے بارے میں اس کے تازہ ترین خیالات سے آگاہی حاصل کر چکا تھا، اس لیے مجھے یہ اندازہ لگانے میں قطن کوئی دقت پیش نہ آئی کہ میرا آخر ذکر اندازہ ہی درست تھا، یعنی فہرہ کو چودھری ظہیر کی موت کا ویسا غم نہیں تھا جیسا کہ وہ ظاہر کر رہی تھی۔ چودھری تنویر کے لیے میں فہرہ کے الجھن زدہ اور ناپسندیدہ خیالات سے واقف ہو چکا تھا، لہٰذا میں نے تنویر کی ذات کے حوالے سے فخرہ سے پوچھ لیا، یہ ایک طرح سے چودھری تنویر کے بیان کی تصدیق کے سلسلے میں کوشش بھی تھی، وہ بیان جو اس نے جھوری کے لنگر وال جانے سے متعلق دیا تھا۔ فخرہ، تم گزشتہ 2 سال سے اس حویلی میں زندگی گزار رہی ہو، یہ ممکن نہیں ہے کہ تم مقتول چودھری ظہیر کے ایک خاص بندے منظور عرف جھوری کے بارے میں کچھ نہ جانتی ہو۔ ہاں جانتی ہوں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، چودھری ظہیر نے اسے ڈیرے پر رکھا ہوا ہے، وہ زمینداری اور کاشتکاری کے جملہ امور کی نگرانی کرتا ہے، چودھری ظہیر اس پر بڑا اعتماد کرتا ہے، میرا مطلب ہے اندھا اعتماد کرتا تھا، اس لیے تو جھوری کو چودھری ظہیر کا خاص آدمی سمجھا جاتا ہے۔ میں نے مانی خیز انداز میں کہا، کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ جھوری اس وقت کہاں ہوگا؟ وہ مجھے ادھر ڈیرے پر اور ادھر حویلی میں تو کہیں دکھائی نہیں دیا۔ جھوری تو کل رات سے لنگر وال گیا ہوا ہے، فخرہ نے عام سے لہجے میں جواب دیا۔ لنگر وال، میں نے تامل کرتے ہوئے کہا، کیا وہ خیریت سے وہاں گیا ہے؟ لنگر وال میں میری نند آمنہ رہتی ہے، اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں نے سنا ہے کہ چودھری ظہیر نے جھوری کے ہاتھ آمنہ کے لیے کچھ بھجوایا ہے۔ فخرہ کے ابتدائی جملے نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اس جملے کی بے ساختگی اور سادگی نے مجھے بری طرح چونکا دیا۔ میں نے سراری لہجے میں سے سوال کیا، سنا ہے کیا مطلب؟
वो भी मेरे सिर्फ सार पर उलझ कर रह गई। मैंने उसकी उलझन दूर करते हुए कहा, तुमने बताया कि तुमने झूरी के लंगरवाल जाने के बारे में सुना है। मैं जानना चाहता हूँ कि किससे सुना है, क्या ये बात तुम्हें मकतूल चौधरी ज़हीर ने बताई थी? नहीं जनाब, अबे जारी से बोली, चौधरी ज़हीर तो मुझसे सीधे मुँह बात करना पसंद नहीं करता था, फिर अपनी बहन को कुछ भिजवाने के बारे में मुझे क्यों बताएगा? तो फिर तुम्हें झूरी ने यह बात बताई होगी? मैंने एक इम्कान की तरफ इशारा किया। झूरी तो चौधरी ज़हीर का खास बंदा थानेदार साहब, वो ठोस लहजे में बोली, उसके मामलात को छुपा रखने की कोशिश करता है। ये बात उसके मुंह से नहीं निकली, वो बड़ा पक्का है जी। मैंने मुतज़ब्ज़ुब नज़र से फाखरा को देखा और सवाल किया, ज़हीर ने तुम्हें बताया ना ही झूरी की ज़ुबान से फिसला, फिर तुम्हें यह बात किस जरिए से मालूम हुई है? मुझे तो चौधरी तनवीर ने इस बारे में बताया, फाखरा ने जवाब दिया। क्या वाकई? मेरे लहजे में शदीद हैरत थी। आपको मेरी बात का यकीन क्यों नहीं आ रहा थानेदार साहब? वह ताजुब खैर नज़र से मुझे देखने लगी। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगी? मैं टटोले वाली नज़र से उसे देखते हुए गहरी सोच में डूब गया। चौधरी तनवीर ने हवेली की बैठक में बैठे हुए मुझे बताया था कि झूरी के लंगरवाल जाने की खबर फाखरा ने उसे दी थी और फाखरा बता रही थी। ये इतला तनवीर की ज़ुबानी उस तक पहुँची थी। दोनों बयक वक्त सच्चे नहीं हो सकते थे क्योंकि दोनों का बयान एक दूसरे के बलक्स था, लिहाजा लाजमी बात यही थी कि उनमें से कोई एक संगीन किस्म की द्रोहगोई से काम ले रहा था। जब कोई इंसान झूठ का सहारा लेता है तो उस सहारे की मदद से किसी ऐसी बात की पर्दापोशी करने की कोशिश कर रहा होता है जो जुर्म के ज़मरे में आती हो। उसका मतलब ये था कि उन दोनों में जो कोई भी झूठा था वो किसी जुर्म को छुपाने के सही में मसरूफ़ था, और इस बात का कब भी इम्कान था कि वो खुद भी इस जुर्म में पूरी तरह शरीक होगा। और इस वक्त मेरे सामने सबसे बड़ा जुर्म चौधरी ज़हीर का कत्ल था। लमहल्ला मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया, क्या चौधरी ज़हीर को फाखरा या चौधरी तनवीर में से किसी ने कत्ल किया है? फाखरा की इस सफसारी आवाज़ ने मुझे ख्याल से चौंका दिया। वो पूछ रही थी, थानेदार साहब आपने मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया? क्या मैंने आपसे कोई मुश्किल सवाल पूछ लिया? उसका सवाल मेरे जहन में था लेकिन एक फौरी ख्याल के तहत मैंने फैसला किया कि उसे चौधरी तनवीर के बयान के बारे में कुछ नहीं बताऊँगा और चौधरी तनवीर को भी इस बात की भनक नहीं लगने दूंगा कि फाखरा ने झूरी के लंगरवाल जाने के सिलसिले में उस यानी चौधरी तनवीर के बारे में क्या बयान दिया। लिहाजा मैं उन दोनों को एक दूसरे से अलग रख कर घिसना चाहता था ताकि असल बात तक रसाई हासिल हो सके। मामले को गोल करते हुए मैंने फाखरा से कह दिया, यकीन ना करने वाली तो कोई बात ही नहीं, और वाकई तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की भला क्या ज़रूरत है? मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रहा हूँ फाखरा, मेरी खामोशी का कोई गलत मतलब ना निकालो। मेरा जहन दरअसल किसी और मामले में उलझा हुआ था। वह इस वजाहत के बाद मुतमईन हो गई। मैं चंद लम्हात तक उसे मकतूल चौधरी ज़हीर के बारे में घुमा फिरा कर मुख्तलिफ जावियों से सवालात करता रहा, फिर मकतूल की ज़िंदगी के इंतहाई नाजुक और हसास पहलू पर ज़रब लगा दी। इतफाक़ से मस्कूरा पहलू फाहरा के लिए भी इंतहाई अहम और दुखता हुआ था। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए सिर्फ सार किया, ये ठीक है कि तुम दोनों में ज़्यादा नहीं बनती थी, चौधरी ज़हीर तुमसे उखड़ा उखड़ा और खफा खफा सा रहता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी हफकी मिटाने के लिए हवेली से बाहर डेरे पर रात गुजारने चला जाए। वो इसी हवेली के किसी दूसरे कमरे में भी तो रात बसर कर सकता था। मुझे पता चला है कि वह अक्सर व बेशतर तुमसे नाराज़ होकर उधर डेरे पर चला जाता था। आपने जिसे भी सुना बिल्कुल ठीक सुना थानेदार साहब, वह गंभीर अंदाज में बोली, और चौधरी ज़हीर के इस फरार की खास वजह थी। वजह? मैंने हैरत भरे लहजे में पूछा, क्या वजह थी? चौधरी के वो शौक हवेली में पूरे नहीं हो सकते थे, उसने मानी खैज अंदाज में बताया, सिलसिले में मैं सबसे बड़ी रुकावट थी। तुम मकतूल के किन शौक का जिक्र कर रही हो? मेरा सवाल तजस्सुस से भरा हुआ था। वह एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोली, थानेदार साहब मैं महसूस कर रही हूँ कि आप इस हवेली के हालात से हासी गहरी वाकफियत रखते हैं, लिहाजा मैं आपसे कुछ छुपाने की हिमाकत नहीं करूँगी, हो सकता है इस तरह आपका तफ्तीशी काम आसान हो जाए। मैं पूरी तरह फाखरा की जानब मतवज्जो हो गया। उसने चंद लम्हात का तवक्कुफ़ किया, फिर ठहरे हुए लहजे में मुझे मकतूल चौधरी ज़हीर के शौक के बारे में बताने लगी। उसके मुताबिक मकतूल जहाँ अपनी मरहूमा बीवी के गम में ठंडी और गर्म आहें भरता था, वहीं उस नामुराद गम को भुलाने और मिटाने के लिए वो शराब का सहारा भी लिया करता था, और इसकी ये आदत फाखरा से छुपी हुई नहीं थी। शुरू में वो ये शगल हवेली के अंदर ही करता था, लेकिन फाखरा ने जब उसके इस अमल की शिद्दत से मुखालफत की तो वह पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर हो गया था। फाखरा ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने आइंदा हवेली की हदूद में ऐसी हरकत की तो वह सबसे पहले अपने मायके वालों को उसके करतूत से आगाह करेगी और फिर हवेली छोड़कर मक्खनपुर चली जाएगी। फाखरा का कहना था कि वो उसकी इस धमकी में आ गया था। वो अगरचा फाखरा में वैसी दिलचस्पी नहीं ले रहा था जैसे एक शौहर को अपनी बीवी में लेना चाहिए, लेकिन इस अदम तजही और नापसंदीदगी के बावजूद भी वो ये नहीं चाहता था कि फाखरा उसे छोड़कर अपने मायके चली जाए। शायद वो भी
چاہے لولے لنگڑے انداز میں ہی صحیح اپنے باپ چودھری طفیل کی آخری خواہش کا پاس کر رہا تھا۔ یہ ٹھیک ہے، چودھری ہاور حیات اور چودھری خلیل نے مرنے سے پہلے آخری خواہش کا کارڈ کھیل کر دہری نہ دشمنی کو ختم کرتے ہوئے دو خاندانوں کو ایک خاندان کی شکل میں متحد اور یکجا کر دیا تھا، مگر فاخرہ کی اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان دونوں کی یہ کوشش دو دلوں کو ملانے کا سبب ثابت نہیں ہو سکی تھی۔ فاخرہ نے مزید بتایا کہ اس کی طرف سے دھمکی دار رکاوٹ بننے کے بعد مقتول چودھری ظہیر نے اپنا یہ شوق پورا کرنے کے لیے ڈیرے کا رخ کر لیا تھا۔ وہ ہفتے میں ایک دو بار اسے شدید ناراض ہو جاتا اور روٹ کر شام کو حویلی سے نکل جاتا، پھر اس کی واپسی دوسری صبح ہی ہوتی تھی۔ فاخرہ اس کی مصروفیات سے بخوبی آگاہ تھی لیکن اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اپنی بات کے اختتام پر اس نے روحانسی آواز میں کہا، تھانے دار صاحب، اس حویلی کے تمام حالات و معاملات آپ کے سامنے ہیں، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ میں نے پچھلے دو سال کس اذیت میں گزارے ہوں گے۔ میں اگر یہاں مزید رکنا نہیں چاہتی تو اس کی وجہ بالکل واضح ہے، میرے لیے یہ حویلی کسی بھی طرح جہنم سے کم نہیں۔ میں نے اس کی دل شکستگی اور جذباتی کیفیت کے پیش نظر کہا، مجھے تمہارے حالات کے باعث تم سے گہری ہمدردی ہے، تم نے واقعی گزشتہ دو سال بڑی تکلیف میں گزارے ہیں، میں تمہارے تعاون کے لیے بہت شکر گزار ہوں، امید ہے کہ تم ایک تو مزید سوالات کے بھی ٹھیک ٹھیک جواب دو گی۔ ملم عمر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا اور پھر کہا، شراب کو ام الخبائث کا ٹائٹل دیا گیا ہے، یہ جہاں جاتی ہے وہاں اپنے ساتھ چند دوسری خباستیں بھی لے کر جاتی ہے، جیسا کہ میرا خیال ہے تم میری بات سمجھ رہی ہو۔ اس نے گہری نظر سے مجھے دیکھا اور سر کو اس باتی جنبش دینے پر اکتفا کیا، وہ میری بات کی تہہ میں اتر گئی تھی۔ میں نے مزید تصدیق کے لیے اسے پوچھ لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ میرا اندازہ بالکل درست ہے؟ جی ہاں، چودھری ظہیر اس بیماری میں بھی مبتلا تھا۔ فاخرہ نے اپنے مرحوم شوہر کی تباہ رنگین کو بیماری کے لبادے میں چھپا کر پیش کرنے کی بڑی خوبصورت کوشش کی تھی۔ میں نے افسوسناک انداز میں قدم ہلاتے ہوئے کہا، یہ تو وہی بات ہوئی، باہر ثواب اور گھر میں عذاب۔ یہاں پر ثواب کا لفظ محاورتاً استعمال کیا گیا، اسے مراد ہرگز کوئی نیک کام نہیں، لہٰذا ذہن کو منفی انداز میں دوڑانے سے روکا جائے۔ صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ مقتول چودھری ظہیر کی تمام تر مہربانیاں باہر والیوں کے لیے تھیں، گھر میں بیٹھی اپنے سہکاک سے محروم فخرہ کے عذاب میں مبتلا تھی۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے تلخی سے کہا، جی ہاں، کچھ ایسی ہی صورتحال تھی۔ میں نے الجھن زدہ انداز میں کہا، میں تمہاری باتوں کو جھٹلا نہیں رہا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ میں نے چائے وقوع حسن اس کمرے کا بڑی باریک بینی سے جائزہ لیا جہاں تمہارے شوہر کی لاش پڑی ملی تھی، مگر وہاں ایسے آثار مجھے دکھائی نہیں دیے جس سے مقتول کے شراب نوش ہونے کا سراغ ملتا، اور کچھ ایسی ہی صورتحال مقتول کے دوسرے سنگین اور رنگین شغل کے حوالے سے بھی ہے، ورنہ میں وہیں پر چونک جاتا۔ جھوری بہت ہی چالاک اور تیز آدمی ہے، وہ نفرت آمیز لہجے میں بولی، یہ شخص بہت سے معاملات میں چودھری ظہیر کا رازدار ہے، ہو سکتا ہے جھوری نے چودھری کے کرتوتوں کے آثار جائے واردات سے ختم کر دی ہوں۔ ہاں، ایسا بالکل ہو سکتا ہے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن جھوری تو کل رات سے موزا لنگر وال کیا ہوا ہے، اس کی واپسی آج شام کو ہوگی، پھر وہ، میں نے الجھن زدہ سوالیہ انداز میں جملہ نامکمل چھوڑا تو وہ جلدی سے بولا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے جھوری کو ڈیرے سے نکلتے ہوئے دیر ہو گئی ہو، وہ چودھری ظہیر کی خدمت سے فارغ ہونے کے بعد لنگر وال کی طرف کیا ہو اور اس کے جانے کے بعد قتل کی یہ واردات پیش آئی ہو۔ اصل بات تو اسی وقت پتہ چل سکتی ہے جب جھوری لنگر وال سے واپس آئے گا اور آپ اسے کڑی پوچھ تچھ کریں گے۔ پوچھ گچھ تو میں اس سے ایسی کروں گا کہ اس کی آنے والی سات نسلوں کی تاریخ مرتب ہو جائے گی۔ میں نے دانت کچ کچاتے ہوئے کہا، یہ بندہ مجھے اس کیس میں بہت ہی اہم اور خطرناک نظر آ رہا ہے، مجھے امید ہے اس کا انٹرویو اس کیس کے بہت سے ڈھکے چھپے گوشوں کو بے نقاب کر دے گا۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، میں بھی کچھ ایسا ہی محسوس کر رہی ہوں۔ ویسے تمہارے خیال میں چودھری ظہیر کا قاتل کون ہو سکتا ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اچانک پوچھ لیا، تمہیں اگر کسی شخص پر شک ہو تو بتاؤ۔ چودھری تنویر نے تو اس سلسلے میں ایک نام دیا، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، مجھے تو کسی بندے پر شک نہیں، البتہ اگر آپ جھوری پر ذرا سختی کریں تو اس حوالے سے خاصی اہم معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ اس پر سختی تو میں کروں گا ہی، میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا، وہ پر تجسس لہجے میں مستفسر ہوئی، ویسے چودھری تنویر نے کس بندے پر شک ظاہر کیا ہے؟ ملک خدا بخش پر، میں نے مذکورہ شخص کا نام لے دیا۔ اچھا، وہ موزا کرما والی والا ملک خدا بخش؟ بالکل بھائی، میں نے اس بات میں جواب دیا، اسے تنویر کے موقف سے آگاہ کر دیا۔ پوری بات سننے کے بعد وہ بولی، مجھے تو اس کے امکانات بہت ہی کم نظر آتے ہیں، میں 5 ایکڑ زمین والے اس جھگڑے سے اچھی طرح واقف ہوں، واقعات کے مطابق ملک خدا بخش نے چودھری ظہیر کی 5 ایکڑ زمین پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، بلکہ زمین کے اس ٹکڑے کی ملکیت کے کاغذات بھی بنوا لیے ہیں۔ ایسی صورت میں تو میرے خاوند کو ملک خدا بخش پر چڑھائی کرنا چاہیے تھی، ملک خدا بخش چودھری ظہیر کو کیوں قتل کرے گا یا کرائے گا، یہ بات تو میری سمجھ سے باہر ہے۔
मेरी भी समझ से बाहर है, मैंने तायदी अंदाज में कहा, बसायर ऐसा कोई सबब नज़र नहीं आता। पर छोटे चौधरी ने मलक खुदा बख्श पर शक क्यों जाहिर किया, वो लचकर रह गई। मैंने तसली अमेज लहजे में कहा, यह बात मैं चौधरी तनवीर से ज़रूर पूछूंगा और इससे पहले मैं उधर मोजा कर्मा वाली में मलक खुदा बख्श को भी चेक करूँगा, हो सकता है कोई नई बात सामने आ जाए। हाँ ऐसा हो सकता है, वो ख्याल अंगेज लहजे में बोली। मैंने फाहरा से मज़ीद दो चार सवाल किए, उसे ताकीद की कि वह हमारे दरमियान होने वाली इस गुफ्तगू का जिक्र किसी से ना करे, खास तौर पर चौधरी तनवीर को इन बातों की भनक भी नहीं पड़ना चाहिए, और अगर इस सिलसिले में कोई इस्तफसार करे तो उसे कह दे कि कोई ख़ास बात नहीं हुई। फिर मैंने उसे इस हवाले से चंद मशवरे भी दिए, उसने वादा किया कि वह मेरी हिदायत को याद रखेगी। मैंने मुतमईन अंदाज में गर्दन हिलाई, फिर जाने के लिए उठ खड़ा हो गया और बाबा से बुलंद कहा, अच्छा मैं अब चलता हूँ। उसी लम्हे मुझे खाबगा के बंद दरवाजे की दूसरी जानब खटर पटर महसूस हुई, फिर ऐसा लगा जैसे कोई बड़ी सुरत से वहाँ से हटाओ। इस पर इसरार नकलो हरकत को फाखरा ने भी भाप लिया था, बेसख्ता वो भी भिड़े हुए दरवाजे की सिमत देखने लगी। मैं चूँकि चौधरी तनवीर की जासूसी के हवाले से उसे बता चुका था, लिहाजा उसके जहन में भी अपने देवर का नाम चमक रहा था। सरसराती आवाज़ में उसने कहा, आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त था थानेदार साहब, ठीक है तुम आराम करो, मैं तुम्हारे देवर को देखता हूँ। ये कहते हुए मैं दरवाजे की जानी पड़ गया। मैं हाबगा का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला तो राहदरी में सामने से चौधरी तनवीर आता हुआ नजर आया। मुझ पर निगाह पड़ते हुए तेज़ी से मेरे सिमत बढ़ा, मैं उसकी अदाकारी पर सुलग कर रह गया। वो ये जाहिर कर रहा था कि मुझे अपनी भावच के कमरे में पहुंचाकर वो वहां से दूर चला गया था, और अब मैं उसे जैसे ही दिखाई दिया वो मेरी जानब लपक आया था। मेरे करीब पहुँच कर उसने इसरारी लहजे में पूछा, अब क्या रहा थानेदार साहब, क्या भाभी जान ने कोई ऐसी बात बताई जिसने भाई जान के कातिल तक रसाई मुमकिन हो? मैंने उसके हमरा बैर की तरफ कदम बढ़ाते हुए गहरी संजीदगी से कहा, वो बेचारी बेहद दुखी है, खामिद की मौत ने उसे बुरी तरह तोड़कर रख दी है, उसने मेरे सवालात के जवाब कम दिए और रोती ज़्यादा रही। मैंने यही महसूस किया कि वो कत्ल की इस वारदात के बारे में ज़्यादा नहीं जानती, बल्कि कुछ भी नहीं जानती। मैं उसे किसी भी किस्म की मुफीद मालूमात हासिल करने में नाकाम रहा हूँ, वैसे एक बात है, मैंने पूरे सरार अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ा तो वो तड़प कर बोला, वैसे क्या बात है? मैं दानिश्ता फाखरा से होने वाली बातचीत को चौधरी तनवीर से छुपा रहा था और एक खास प्लानिंग के तहत उसे डील कर रहा था। उसका एक झूठ तो खुलकर मेरे सामने आ चुका था, जो उसने छुरी के लंगरवाल जाने के हवाले से अपनी भावच के कंधे पर बंदूक रखकर बोला था। फाखरा ने भी उसके बारे में मिलीजुली राय जाहिर की थी, गोया चौधरी तनवीर की ज़ात मुतनाज़ शक्ल इख्तियार कर चुकी थी, इसके बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता था। लेकिन उस तमाम तर शको शुबे के बावजूद भी मैं उस वक्त तक तनवीर को छेड़ना नहीं चाहता था जब तक झूरी का मिजाज और खैरियत मालूम न कर लूँ। अगर चौधरी तनवीर किसी भी हवाले से अपने बड़े भाई चौधरी जहीर के कत्ल में मुलविस था तो फिर झूरी का उसका साथी आलाकार होना लाजमी करार पाता था, इसलिए मैं पहले झूरी से एक तफसीली मुलाकात करना चाहता था। इस मुलाकात के बाद ही चौधरी तनवीर पर मजबूत हाथ डाला जा सकता था। चौधरी तनवीर के इस्तफसार में जो तड़प और तजस्सुस पाया जाता था, वो इस बात का गुमास था कि वह अपनी भावच से होने वाली मेरी मुलाकात का अहवाल जानने के लिए बहुत बेचैन है। मैंने अदाकारी जारी रखते हुए बदस्तूर संजीदा लहजे में कहा, तनवीर पैसे मैंने महसूस किया कि फाखरा के हालात तुमसे बहुत मिलते जुलते हैं। जी भाभी जान ने ऐसा ही कहा है, वो तशवीश भरे लहजे में मुस्तफसर हुआ। मैंने जवाब दिया, तुम्हारी भावच फाहरा को भी कर्मा वाली के चौधरी मलक खुदा बख्श पर शक है, वो उन लोगों को बहुत बुरा भला भी कह रही थी। चौधरी तनवीर के चेहरे पर इत्मीनान की लहर सी दौड़ गई, हासे पुरजोश लहजे में उसने कहा, जनाब देख लें, इस मामले में भाभी जान भी मेरी खम ख्याल हैं, आप मलक खुदा बख्श को ज़रूर जहन में रखें, तुम इस सिलसिले में बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। मैंने उसका कंधा थपथपाते हुए तसली में लहजे में कहा, मैं अभी मोजा कर्मा वाली रवाना हो रहा हूँ, इस दौरान तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कौन सा काम थानेदार साहब, उसने चौंककर मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, तुमने डेरे पर मुझे बताया था कि झूरी शाम तक मौजा लंगरवाल से वापस आएगा, लेकिन अब चूंकि चौधरी जहीर को पेश आने वाले वाकये की खबर भी वहां पहुंचा दी गई है, लिहाजा तवक्को है कि वो लोग शाम से पहले ही आ जाएं। तुम्हें यह करना होगा कि जैसे ही झूरी मौजा जंडियाला में कदम रखे, तुम उसे मेरे पास थाने भेज देना, मुझे उससे चंद जरूरी बातें करना है। ठीक है जनाब, वो जैसे ही मुझे नज़र आया मैं उसे थाने भेज दूंगा, वो फरमाबरदारी से बोला। मैं अब चलता हूँ, मैंने कहा, उधर थाने में भी बहुत सारे मामलात निपटाने हैं। थानेदार साहब, चौधरी तनवीर ने लिजाजत भरे लहजे में मुझे मुखातब किया और बोला, भाई जी की मौत की खबर तमाम रिश्तेदारों को भिजवा दी गई है, मेरा ख्याल है दोपहर के बाद से लोग हवेली आना शुरू हो जाएंगे, आपने भाई जी की लाश को
चीर फाड़ के लिए सरकारी अस्पताल भिजवा दिया, वो यहाँ आकर किसका मुंह देखेंगे। इस किस्म के हादसात अमवात में पोस्टमार्टम बहुत ज़रूरी होता है चौधरी तनवीर, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। ऐसे बाज़ात ऐसे ऐसे उनका शफात होते हैं कि अकल दंग और मनसूबा भंग होकर रह जाता है। सात पर्दों के पीछे छुपा हुआ कातिल अपनी तमाम तर बेदाग और मजबूत मनसूबाबंदी के बावजूद भी कानून की गिरफ्त में आ जाता है। मैं कोशिश करूंगा आज ही चौधरी जहीद की लाश का पोस्टमार्टम हो जाए, तुम्हें इस सिलसिले में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कल दिन में किसी वक्त चौधरी जहीर की पोस्टमार्टम शुदा लाश तुम्हारे हवाले कर दी जाएगी। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया। मैंने अलविदाई मुसाफिया करते हुए उसे कहा, तुम घर को देखो और आने वाले लोगों को संभालो, मैं चलता हूँ। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो रात में एक चक्कर लगाऊँगा। जब तक मैं मौजा कर्मा वाली से भी होकर आ जाऊँगा तो मेरा काम याद रखना। छोरी को थाने भेजने वाला? जी जी मुझे याद है, वो जल्दी से बोला। मैं हवेली से निकलकर थाने आ गया। हवलदार सूबे खान चौधरी जहीर की लाश को जिलाई अस्पताल पहुंचाकर वापस आ गया था। मैंने अपने कमरे में पहुंचते ही उसे बुला लिया, वो भी मुझसे मिलने के लिए बहुत बेचैन था। मैंने जिस कांस्टेबल के तवस्सुल से उसे बुलाया था उसने बताया कि सूबे खान काफ़ी देर से मेरा इंतज़ार कर रहा था। सूबे खान मेरे सामने आकर बैठा तो मैंने उसकी आंखों में देखते हुए इससे इफ्सार किया, चौधरी की लाश को सही सलामत अस्पताल पहुंचा दिया है ना? जी मलक साहब, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। कल शाम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और चौधरी जहीर की लाश वापस मिल जाएगी। अच्छी बात है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। फिर पूछा, मुझे पता चला है कि तुम काफ़ी देर से मेरा इंतज़ार कर रहे थे, हैरी तो है ना, कोई ख़ास बात? वो मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय अपनी जेबें टटोलने लगा, फिर एक तयशुदा कागज़ बरामद करके मेरी जानी बढ़ाते हुए बोला, मलक साहब देखें ये क्या है। मैंने उसके हाथ से वो तयशुदा कागज़ ले लिया और खोलकर उसे पढ़ने लगा। कागज़ की तहरीर पर मेरी निगाह पड़ी तो मैं चौंक उठा। नहायत ही मुख्तसर अल्फाज में वहाँ लिखा था, चौधरी जहीर की दो टुकड़े लाश देकर उन लोगों को इबरत पकड़ना चाहिए जो चौधरी की तरह जालिम और बदकार हैं, अपनी ताकत के बलबूते पर दूसरों की मजबूरियों से फ़ायदा उठाने वालों का एक दिन यही अंजाम होता है। लाली, मैंने उस कागज़ की तहरीर को दो तीन मरतबा पढ़ा, फिर निगाह उठाकर सुबहान की तरफ देखते हुए सरारी लहजे में पूछा, ये कागज़ तुम्हें कहाँ से मिला और ये लाली कौन है? वैसे नाम से तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि लाली कोई लड़की या औरत होगी। सुबहान ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, मलक साहब ये तयशुदा कागज़ मकतूल चौधरी जहीर की जेब से बरामद हुआ है और लाली कभी इस गाँव चंडियाला में रहा करती थी। आपको इस इलाके में तैनात हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, इसलिए लाली की कहानी आपको मालूम नहीं। वो तो ठीक है, मैंने मोतदल अंदाज में कहा, लेकिन मैंने चौधरी जहीर की लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना करने से पहले उसका अच्छी तरह जाम तलाशी ली थी। अगर ये कागज़ उसकी किसी जेब में मौजूद था तो फिर मेरे हाथ क्यों नहीं लगा? बहरहाल गलती किसी भी इंसान से हो सकती है, मुमकिन है इस कागज़ तक कब मेरे हाथ और निगाह ना पहुँच सकी हो, लेकिन इस कागज़ की तहरीर तो बड़े खतरनाक अंदाज में इस जानब इशारा कर रही है कि चौधरी जहीर को इबरतनाक अंदाज में मौत के घाट उतारने का सेहरा उस लाली के सर बनता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि लाली कौन है और उसकी कहानी क्या है। हवलदार सूबे खान ने एक बोझल सांस खारिज की और बड़े रासराना अंदाज में बोला, मलक साहब लाली का असल नाम बुशरा था और वो एक साल पहले तक इधर जंडियाला ही में रहती थी। मैंने सुना है लाली ने खुदकुशी कर ली थी। खुदकुशी? मैंने हैरत भरे लहजे में कहा, यानी एक साल पहले अपनी जान से खेलने वाली लाली अब चौधरी जहीर के कत्ल की जिम्मेदारी का ऐलान कर रही है, ये कैसे हो सकता है सूबे खान? हो सकता है मलक साहब, वो सहमे हुए लहजे में बोला, कि लाली की रूह ने एक कारनामा अंजाम दिया हो। देखो सुबहान, मैंने दो टोक अंदाज में कहा, ये रूह वाली कहानी को इस केस में कहीं फिट करने की कोशिश ना करना। मुझे लाली की मौत, मौत के असबाब, उसकी मौत से पहले की ज़िंदगी और बाद के हालात के बारे में तफसीलन बताओ। हवलदार सूबे खान मौजा चंडियाला ही का रहने वाला था, लिहाजा वो यहाँ के हालात से बाखूबी आगाह था। उसने मेरे सवाल के जवाब में बताया, मलक साहब कुछ अर्सा पहले तक बुशरा उर्फ लाली इसी गाँव में रहती थी। उसकी माँ गफूर बीबी का बहुत पहले इंतकाल हो गया था, सिर्फ बाप जिंदा था और लाली का बड़ा भाई यूसुफ। लाली के बाप करमदीन की आरा मशीन थी, जहां वो लकड़ी की तराश खराश और कटाई का काम करता था। लाली का भाई यूसुफ इस काम में अपने बाप की मदद करता था। फिर एक रोज़ करमदीन पर फालच गिरा और वो किसी काम के काबिल ना रहा, मजबूरन यूसुफ को आरा मशीन का काम तन्ने तनहा संभालना पड़ा। वो मेहनत से घबराने वाला जवान नहीं था, उसने फौरन ही उन हालात पर काबू पा लिया। किस्सा मुतसर, कुछ अर्सा पहले मफलूज रहने के बाद करमदीन भी चल बसा और ये दोनों बहन भाई इस दुनिया में अकेले रह गए। सूबे खान सांस लेने के लिए लम्हे भर को मतवक्फ़ हुआ, फिर अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए बोला, लाली बहुत ही खूबसूरत और तरेदार लड़की थी, उसके हुस्न का चर्चा पूरे गांव में था। उसकी उम्र 19-20 साल ही थी और यूसुफ
उससे 5 साल बड़ा था। माँ बाप के इंतकाल के बाद उस खानदान में सिर्फ वही दोनों रह गए थे। उन दोनों में पहले ही मोहब्बत और इतफाक बहुत ज़्यादा था और वालदैन की वफ़ात के बाद तो वो ज़हनी और दिली तौर पर और भी करीब आ गए थे। उनकी ज़िंदगी बड़े हमवार अंदाज में आगे बढ़ रही थी कि एक अंधोनाक वाक़ा पेश आ गया और यह वाक़ा था लाली की खुदकुशी का। वो थोड़ी देर के लिए थमा फिर रवा हो गया। जिसने भी सुना उसे लाली की अफसोसनाक मौत का यकीन ना आया, लेकिन यकीन करने के सिवा कोई चारा भी नहीं था। इस बात में किसी शको शुबे की गुंजाइश नहीं थी कि लाली ने अपनी गर्दन में मौत का फंदा डालकर खुदकुशी कर ली थी। उसकी बेजान झूलती हुई लाश छत से लटकी हुई मिली थी। सूबे खान ने लाली के अंजाम का तसव्वुर करके एक झुझरी ली और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, लाली की मौत ने यूसुफ को बुरी तरह मुतासर किया था। वो काफ़ी दिनों तक पागलों की तरह इधर उधर घूमता फिरता रहा, फिर एक रोज़ वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर गायब हो गया। गायब हो गया क्या मतलब? मैंने सरसराते हुए लहजे में पूछा। वो बोला, जनाब यूसुफ अचानक लापता हो गया था। ये कोई 1 साल पहले की बात है। वो अपना घर बार आरा मशीन कारोबार सब कुछ छोड़कर कहीं चला गया था और आज तक लौट कर वापस नहीं आया। फिर उसे यहाँ जंडियाला में या कहीं और देखा नहीं किया। बस लोगों का ख्याल है यूसुफ ने लाली की मौत से दिलबर्दाश्ता होकर अपनी जान ले ली होगी, लेकिन उसने कब कहाँ और कैसे खुदकुशी की ये बात किसी को मालूम है और ना ही सामने आ सकी। रफ्ता रफ्ता इस मामले पर मट्टी पड़ती गई और आज यहाँ उसे कोई याद भी नहीं करता। मेरे जहन में हलचल मची हुई थी और मुतअद्दद सवालात उभर कर सामने आ रहे थे जिनके जवाब सुबह हान ही दे सकता था, मगर उन सवालात से पहले मुझे इससे एक नहायत ही अहम सवाल पूछना था। मैंने हैजान भरे अंदाज में सिफसार किया, सुबह खान तुमने लाली की तारीख और जुग्राफी का तो बड़ी तफसील से बयान किया, लेकिन मुझे अभी तक एक सवाल का जवाब नहीं मिला और वो सवाल था लाली की मौत के असबाब से मुतालिक। जनाब वो खनकार कर गला साफ करते हुए बोला, लाली की मौत का सबब तो आज तक सामने नहीं आ सका, लेकिन बाज़ लोगों को ढके छुपे अल्फाज में ये कहते हुए सुना गया कि उसकी मौत का जिम्मेदार चौधरी ज़हीर था। वो चौधरी ज़हीर के किसी करतूत के हाथों मजबूर होकर खुदकुशी की राह पर गई थी, लेकिन चंडियाला के लोग चुके चौधरी ज़हीर के खिलाफ जुबान खोलने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, लिहाजा ये बात आम नहीं हो सकी। हो सकता है चौधरी की मौत के बाद ये किस्सा उछाला जाए। आपसे पहले इस थाने में जो इंचार्ज साहब थे वो पूरी तरह चौधरी ज़हीर की मुठ्ठी का चावल बने हुए थे। हमें मजबूरन उनके सामने चुप रहना पड़ता था, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ नज़र आ रही है। आपने इस थाने का चार्ज संभाल लिया और चौधरी भी बाकी नहीं रहा। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो सूबे खान, मैंने पुरअज़म लहजे में कहा, अब वाकई सूरत हाल बदल चुकी है। मैं इस बात पर तो यकीन नहीं रखता कि चौधरी ज़हीर के कत्ल में बुशरा उर्फ लाली की रूह का हाथ है, लेकिन यह मुमकिन है कि लाली के भाई यूसुफ को अपनी बहन की अंधोनक मौत का सबब मालूम हो गया हो और इंतकाम की आग में कुंदन बनने के बाद उसने यह सनसनीखेज कदम उठाया हो। चौधरी की दो लख तलाश को देखकर फौरी तौर पर जहन किसी बड़ी आरी या आरा मशीन की तरफ जाता है और यूसुफ का माजी वैसे इमकान की तस्दीक करता हुआ दिखाई देता है। आरा मशीन और यूसुफ का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है। अगर हम यूसुफ को ढूंढने में कामयाब हो जाएं तो चौधरी ज़हीर के कत्ल के मामले को चुटकी बजाते में हल किया जा सकता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, अवलदार सोच में डूबे हुए लहजे में बोला, मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। मैंने कहा, इस सिलसिले में कोई कदम उठाने से पहले मैं मकतूल चौधरी ज़हीर के हवाले से चंद बातों की तस्दीक करना चाहता हूँ और इस सिलसिले में तुम मेरी मदद करोगे। तुम इसी गांव के रहने वाले हो, लिहाजा तुमसे ज़्यादा कोई क्या जानता होगा। हवलदार ने अपने ताबून का पूरा यकीन दिलाया तो मैंने उससे मकतूल चौधरी की रंगीन मिजाजी के बारे में कुरेद कुरेद कर पूछना शुरू कर दिया। मैं सिलसिले में फाहरा से भी चंद कहानियाँ सुनकर आया था। सुबहान ने उन तमाम कहानियों की तस्दीक कर दी तो आखिर में मैंने उससे कहा, ठीक है तुम थोड़ी देर के लिए मुझे तनहा छोड़ दो, मैं इस नतीजे पर पहुँचना चाहता हूँ कि आगे कैसे बढ़ा जाए। और हाँ, फिलहाल किसी और से इस धमकी आमेज खत का जिक्र न करना। आप फिक्र न करें मलक साहब, वो सीने पर हाथ रखते हुए बोला, मैं सबसे ज़्यादा आपका वफादार हूँ। फौरी तौर पर मेरे जहन में यही आया कि तुम उससे पहले के थाना इंचार्ज को भी इसी तरह सीना ठोकर अपनी वफादारी का यकीन दिलाते होगे। हवलदार के जाने के बाद मैं गहरी सोच में डूब गया। हवलदार अस्पताल से जो तयशुदा कागज़ लाया था वो उसके बकौल मकतूल चौधरी ज़हीर की एक जेब से बरामद हुआ था। ज़ाहिर है वो कागज़ मकतूल की जेब में कातिल ने रखा होगा और इस तरह घिसा फंसा कर रखा होगा कि मेरी मुतलाशी निगाह में ना आ सका। मस्कूरा धमकी आमेज रुका तहरीर की रोशनी में किसी लाली की कास्तानी नज़र आता था, मगर मेरी ताज़ा तरीन मालूम के मुताबिक बुशरा उर्फ लाली ने लगभग 1 साल पहले खुदकुशी करके अपनी जान ले ली थी। मैं एक अमली और मंतकी इंसान था, हर समझ में ना आने वाली और पर असरार बात को भी तजुर्बे और मंतकी कसौटी पर खिस कर परखता था, लिहाजा मैं किसी भी कीमत पर हवलदार सुबहान के अंदाज में नहीं सोच सकता था। वो तो यही समझ रहा था कि लाली की रूह ने चौधरी ज़हीर से भयानक इंतकाम लिया, लेकिन मैं किसी और ही जाविये पर दिमाग खपा रहा था।
میرے نزدیک لالی کے خاندان کا صرف ایک ہی فرد زندہ تھا اور وہ تھا لالی کا بڑا بھائی یوسف، جو اس کی المناک موت پر دیوانوں کی مانند گلی گلی کوچا کوچا گھومتا رہا تھا۔ اگر یہ بات 100% درست تھی کہ لالی نے چودھری ظہیر کے کسی جبر کے نتیجے میں دل برداشتہ ہو کر عالم شکستگی میں خودکشی کی تھی اور اس تلخ حقیقت کو کسی بھی طور یوسف نے پا لیا تھا، تو چودھری ظہیر کے قتل کا ذمہ دار اسے ٹھہرایا جا سکتا تھا۔ یوسف کو اپنی بہن سے بے پناہ محبت تھی، وہ لالی کو برباد کرنے والی کسی بھی شخص کو کسی قیمت پر معاف نہیں کر سکتا تھا، چاہے وہ چنڈیالہ کا طاقتور چودھری ظہیر ہی کیوں نہ ہو۔ محبت انسان کو اتنا مضبوط بنا دیتی ہے کہ وہ سر بفلک پہاڑوں سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھتا اور موت کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر اسے سرد مہری سے گھورنے کی ہمت کر سکتا ہے۔ یہ عین ممکن تھا کہ یوسف ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت چنڈیالہ سے غائب ہو گیا ہو۔ اس نے کچھ عرصہ رک کر خود کو مضبوط کیا ہو، اس دوران میں وہ کسی ذریعے سے چودھری ظہیر کے معمولات پر بھی نگاہ رکھے ہوئے ہو، اسے کسی ایسے موقع کی تلاش ہو جب وہ چودھری کو اپنے انتقام کا نشانہ بآسانی بنا سکتا ہو، اور پھر گزشتہ رات اسے اس سنہری موقع مل گیا ہو۔ اس نے اپنے ذرائع سے پتہ چلا لیا ہو کہ اس رات مقتول چودھری ڈیرے پر اکیلا ہی ہوگا۔ اس نے سینے میں کھولتے ہوئے انتقام کے آتش فشاں کو سرد کر لیا ہو اور اس رکے کے ذریعے لالی کا نام استعمال کر کے وہ خوف و دہشت پھیلانے کا ارادہ رکھتا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اس تھیوری کی روشنی میں اگر میں یوسف تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو چودھری ظہیر مرڈر کیس چٹکی بجاتے میں حل کیا جا سکتا تھا۔ میں نے پختہ تہیا کر لیا کہ اگلی صبح یوسف کی تلاش کے کام کا آغاز کر دوں گا۔ اس پر اسرار دھمکی آمیز رکے کی دریافت کے بعد یوسف مشتبہ افراد کی فہرست میں ٹاپ پر آ گیا تھا۔ اس کے نیچے فہرست میں دو نام اور بھی درج تھے، ایک چودھری تنویر اور دوسرا چھوری۔ چودھری تنویر کی دروغ گوئی میری پکڑ میں آ چکی تھی، یہ جاننا باقی تھا کہ اس نے کس مقصد کی خاطر جھوٹ بولا تھا، اور میں یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے چھوری کی واپسی کا بڑی شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ چھوری کا کردار کئی زاویوں سے اس کیس میں اہمیت کا حامل تھا، وہ مقتول کا راستہ اور ایک طرح سے دستے راست بھی تھا۔ مقتول کی منمانی غیر نصابی سرگرمیوں کی اسے اچھی طرح خبر تھی، بلکہ وہ مقتول کے لیے ایک معاون کا کردار ادا کر رہا تھا، لہٰذا اسے پوچھ گچھ بڑی مفید ثابت ہو سکتی تھی۔ وہ لالی کو پیش آنے والے واقعے سے بھی بخوبی واقف ہوگا، کیونکہ لالی اس کے ہاتھوں چودھری ظہیر کے ستم کا نشانہ بننے ڈیرے پہنچی ہوگی، اور غیر ممکن ہے اسے یہ بھی معلوم ہو کہ یوسف کو گرفتار کرنے کے لیے کہاں کہاں چھاپے مارنا چاہیے۔ مجھے امید تھی کہ آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے جھوری مجھ سے ملنے تھانے ضرور آئے گا، لیکن میں اپنے کمرے میں بیٹھا انتظار ہی کرتا رہ گیا اور وہ نہیں آیا۔ نہ وہ آیا اور نہ ہی اس کی کوئی خبر۔ موجودہ صورتحال میں کرما ولی کے چودھری ملک خدا بخش کو ٹچ کرنا فضول ہی تھا، لہٰذا میں نے اس کے خیال کو ذہن سے جھٹک دیا اور اپنی پوری توجہ جھوری اور یوسف پر مرکوز کر دی۔ اس کے ساتھ ہی چھوٹے چودھری تنویر کے بارے میں تنقیدی انداز میں سوچنے لگا۔ اگلے روز دوپہر سے تھوڑا پہلے مقتول چودھری ظہیر کی لاش اسپتال سے آ گئی۔ میں نے گزشتہ روز لئے اسپتال کے ڈاکٹر ہاس، یعنی وہ سرجن جس نے لاش کا پوسٹ مارٹم کرنا تھا، اسے خصوصی درخواست کی تھی کہ اس کام کو جلد از جلد نپٹا دے، اور یہ میری اسی درخواست کا نتیجہ تھا۔ لاش کے ساتھ ہی پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ بھی تھی۔ میں نے اپنے ایک آدمی کو چنڈیالہ کے چودھری تنویر کی طرف روانہ کر دیا تاکہ وہ آ کر اپنے بڑے بھائی کی لاش وصول کر لے، اور اس کے بعد میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ پڑھنے لگا۔ اس رپورٹ کے مطابق چودھری ظہیر کی موت رات کے آخری نصف حصے میں واقع ہوئی تھی۔ موت کا وقت رات 12 اور 2 بجے کے درمیان بتایا گیا تھا۔ رپورٹ میں واضح طور پر لکھا تھا کہ جب چودھری ظہیر کو موت کے گھاٹ اتارا گیا وہ نشے میں دھت تھا، لہٰذا قاتل اسے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہوئے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے ساتھ ہی کیمیکل انالسس کی رپورٹ بھی منسلک تھی۔ اس رپورٹ کی روح سے مقتول کے معدے کے تجزیے سے پتہ چلا تھا کہ جن لمحات میں اسے قتل کیا گیا اس نے اچھی خاصی شراب پی رکھی تھی، اور وہ تقریباً اپنے ہوش و حواس کھو چکا تھا۔ اسے اس کی غفلت کے دوران موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ دوپہر کے بعد چودھری تنویر اپنے بھائی کی لاش وصول کرنے تھانے پہنچ گیا، اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا۔ تنویر نے آتے ہی پہلے تو بہت معذرت کی کہ وہ اب تک ادھر کا رخ نہیں کر سکا تھا۔ اس نے کہا، جناب کل جب آپ حویلی سے رخصت ہوئے اس کے بعد ہی سے لوگ آنے لگے تھے، پھر تو وہ تانتا بدھا کہ مجھے کچھ ہوش ہی نہیں رہا۔ بھائی جی کے تعلقات بہت سے لوگوں سے تھے، ان کی موت کے بارے میں جس نے بھی سنا وہ تعزیت کے لیے حویلی کی طرف دوڑ پڑا۔ بس کیا بتاؤں، میں کس قدر مصروف ہو گیا تھا۔ ابھی آپ کا پیغام ملا کہ بھائی جی کی لاش اسپتال سے آ گئی ہے تو میں دوڑا دوڑا تھانے چلایا۔ کوئی بات نہیں چودھری تنویر، میں نے گہری نظر سے اس کی پریشانی کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، ایسے موقع پر انسان کی مصروفیت بے پناہ بڑھ جاتی ہے۔ تم لاش لے کر حویلی جاؤ اور اپنے بھائی جی کی کفن دفن کا بندوبست کرو، مجھے تم سے چند ضروری باتیں کرنی ہیں، وہ میں بعد میں کر لوں گا۔ اور ہاں، کون سا کام تھا ندار صاحب؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا، میں نے تمہاری ڈیوٹی لگائی تھی کہ جیسے ہی جھوری لنگروال سے واپس آئے
तुम उसे सीधा मेरे पास भेजोगे, लेकिन मैं यहाँ बैठा उसकी राह देख रहा हूँ, उसका कोई पता ही नहीं। क्या वो अभी तक उधर लंगरवाल ही में है? मेरी भी मत मारी गई है जनाब, वो अपनी पेशानी पर हाथ मारते हुए बोला, ये है झूरी। उसने अपने साथ आने वाले आदमी की जानब इशारा किया, ये तो कल ही अमनाबाजी के साथ वापस आ गया था, लेकिन आपके हुक्म की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। ये कि इतफाक है कि झूरी मेरे साथ ही थाने आ गया, अब आप इसे इधर ही बिठा लें और जो पूछना है इत्मीनान से पूछें। मैं भाई जी की लाश लेकर हवेली पहुँचता हूँ, वहाँ एक नया पड्डा पड़ा हुआ है। कैसा पड्डा चौधरी तनवीर? मैंने सवालिया नज़रों से उसे देखा, उसने बताया उधर मक्खनपुर से भाभी जान का भाई सिकंदर हयात भी आया हुआ है, दोनों बहन भाइयों में जंग हो रही है। मुझे तो लगता है ये दोनों अपने बाप की कोशिशों पर पानी फेर कर ही दम लेंगे। वह बुरा सा मुंह बनाकर खामोश हो गया। आखिर हुआ क्या है? मैंने गहरी दिलचस्पी लेते हुए सवाल किया। चौधरी तनवीर ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, होना क्या मलक साहब, मुझे तो यूं महसूस हो रहा है जैसे इन दोनों का दिमाग ख़राब हो गया। वो अब तक इस इंतज़ार में बैठे थे कि उधर भाई जी की आँख बंद हो, उधर वो तनाज़ा खड़ा कर दें। उनके बाप ने हमारे अब्बाजी के साथ मिलकर दो खानदानों को यकजा किया था, लेकिन भाभी जान इस नाजुक मौका पर खानदानों को फिर अलग करने की बात कर रही हैं। वो इसी ज़िद पर जमी हुई हैं कि अब वो इस हवेली में नहीं रहेंगी, सिकंदर हयात उन्हें अपने साथ ले जाए, जबकि सिकंदर का कहना यह है कि वो उस वक़्त तक अपने साथ नहीं ले जा सकता जब तक विरासती मामला तय ना पा जाएँ। विरासती मामला? मैंने उलझन ज़दा नज़रों से चौधरी तनवीर को देखा। वो बोला, थानेदार साहब मुझे ये बताते हुए शर्म भी आ रही है, लेकिन क्या करूँ, ये हकीकत भी है और मजबूरी भी। सिकंदर हयात ने बात ही ऐसी घटिया कर दी, बस क्या बताऊँ, कम से कम उसे मौका मैल तो देखना चाहिए था। अभी तो भाई जी का जनाजा भी नहीं उठा और उसने ज़मीन जायदाद के बंटवारे की बातें शुरू कर दी हैं। उन लम्हात में चौधरी तनवीर मुझे नहायत ही संजीदा और अर्जदा नज़र आया। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे वह उन तमाम तर मामलात में बेकसूर और गैर जानबदार हैं। मैंने उसे पूछ लिया, अब चौधरी सिकंदर हयात आखिर चाहता क्या है? जनाब अगर आप सच्ची और खरी और साफ बात सुनना चाहते हैं तो मुझे सिकंदर के अजायम बहुत ही घटिया महसूस हुए हैं। वो नफरत अमेज़ अंदाज में वजाहत करते हुए बोला, उसका दावा है कि फाखरा भाभी भाई जी की इकलौती वारिस है, इसलिए उसे हवेली छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए। अगर कल कलां दोनों भाइयों और उनकी बीवी बच्चों में ज़मीन और जायदाद की तकसीम का मसला उठ खड़ा होता है तो उसकी बहन को भी उतना ही मिलना चाहिए जितना कि मुझे या मेरी बीवी को। जनाब यकीनन अब आप मेरी बात समझ गए होंगे। बिल्कुल समझ गया हूँ चौधरी तनवीर, तुम्हारी भाभी का क्या मौक़फ़ है? फाहरा भाभी का इसरार है कि वो पहली फुर्सत में मक्खनपुर जाना चाहेंगी। उसने बताया, वह जंडियाला वाली हमारी हवेली को जहन्नुम कह रही है, उसका कहना है यहाँ उसका दम घुटता है, उसे ज़मीन और जायदाद की ज़रूरत नहीं, बस वो यहाँ से जाना चाहती है जितनी भी जल्दी मुमकिन हो सके। जबकि चौधरी सिकंदर अपनी बहन को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि उसे अपने हिस्से से दस्तबरदार होने की हिमाकत नहीं करना चाहिए। आपने अच्छी तरह महसूस कर लिया होगा कि ये कैसे नामाकूल लोग हैं, भाई की तदफीन अभी हुई नहीं और उन्होंने अजीब व गरीब तनाज़े खड़े कर दिए हैं। उस भाभी जान को देखें, और बुरा सा मुँह बनाते हुए बोला, जिस हवेली में उसने 2 साल आराम और आसाइश से गुजारे आज उसी को जहन्नुम कह रही, ऐसी खुदगर्जी नाशुकरी और तोता चश्मी मैंने पहले कभी नहीं देखी। मैं अपनी कुर्सी से उठा चौधरी तनवीर के पास आ गया, फिर उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, चौधरी सिकंदर हयात और उसकी बहन फाखरा के तनाज़ात को बाद में भी देखा जा सकता है, फिलहाल तुम अपने भाई की लाश को लेकर हवेली पहुँचो और उसकी कफन दफन के इंतजाम करो, मैं अपने 2 आदमियों को तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ। उसने तहे दिल से मेरा शुक्रिया अदा किया और उठकर खड़ा हो गया। उसकी देखा देखी झूरी ने भी कुर्सी छोड़ दी। मैंने घूर कर उसे देखा और कदर सख्त लहजे में पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? वो जी छोटे चौधरी साहब मेरे ज़रिए ही तो सारे इंतजाम करेंगे, मैं फारिग होने के बाद आपके पास आ जाऊँगा, तुम आराम से इधर ही बैठो। मैंने कड़े अंदाज में कहा, इस दुनिया के बहुत से काम तुम्हारे बगैर भी हो सकते हैं, जब मैं तुम्हें फारिग कर दूँ तो चले जाना, जहाँ भी जाना हो तुम्हें। वो मस्किन सी सूरत बनाकर दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। मैंने आइंदा 15 मिनट में ज़रूरी कार्रवाई करके मकतूल चौधरी ज़हीर की पोस्टमार्टम शुदा लाश को चौधरी तनवीर के हवाले किया, फिर उसे एक तरफ ले गया और गहरी संजीदगी से पूछा, तनवीर मैं तुम्हारी परेशानी को समझ सकता हूँ, इसलिए नहायत ही नरम लहजे में बात कर रहा हूँ, अभी भी वक्त है, अगर तुमने मुझे कोई झूठ बोला है तो बता दो, वरना बाद में अगर कोई ऐसी बात सामने आई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जनाब मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोला, बोलचंद सदा अंदाज में बोला, और मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारा ये कहना है कि तुम्हें फाखरा ने झूरी के लंगरवाल जाने के बारे में बताया था और उस तरफ वो भी यही दावा कर रही है। वो उछल पड़ा, यानी भाभी फाखरा ये कह रही है कि मैंने उसे झूरी के लंगरवाल जाने की इतला दी थी? हाँ, मैंने इस बात में गर्दन हिलाई, उसने खुद ये बात मुझे बताई है। अगर ऐसा है तो मैं यही कहूँगा कि भाभी ने सरासर गलत बयानी से काम लिया है। मगर क्यों? मैंने उसका शाना थपथपाते हुए कहा, उसकी दरोगोई को मैं चेक कर लूँगा, तुम फिक्र ना करो। वो मतमईन नज़र आने लगा। उसके बाद मैंने अपने
दो आदमियों को लाश के हमरा हवेली की जानिब रवाना किया। दोबारा अपने कमरे में आ गया जहाँ छुरी बड़ी परेशानी के आलम में बैठा था। तुम काफ़ी परेशान और उलझे हुए नज़र आ रहे हो। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सिर्फ सार के, ये तुम्हारी शक्ल पर 25 क्यों बज रहे हैं? नहीं, वह तामुल करते हुए बोला, ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर कैसी बात है छुरी? मैंने बदस्तूर उसे घूरते हुए पूछा। वो जी, दरअसल बड़े चौधरी साहब की मौत ने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। तुम्हारा मुतासर होना तो लाजमी है छुरी, मैंने तंजी अंदाज में कहा। मैंने सुना है कि तुम दोनों के बीच बड़ा पक्का याराना था। चौधरी जहीर तुम पर बड़ा भरोसा करता था, अपनी बीवी से भी ज़्यादा भरोसा। तुम उसके रास्ता थे, उसके बाद ऐसे राजों में शरीक थे जो वो अपनी बीवी से भी छुपाता था। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? थानेदार साहब, मेरी इतनी औकात कहाँ कि चौधरी साहब से याराना रखता। बस जी उनकी मेहरबानी थी जो वो मुझ पर अंधा एतमाद करते थे। मैं तो उनका खादिम था, हर वक्त खिदमत के लिए तैयार रहता था और हर नौयत की खिदमत के लिए। मैंने मानी खैज लहजे में कहा, है ना? ज़ाहिर है जनाब, उसने गोलमोल सा जवाब दिया। खादम खिदमत नहीं करेगा तो और क्या करेगा? मैंने सनसनाते हुए लहजे में इस्तफ़सार किया, क्या यह सच है कि मकतूल चौधरी जहीर जब रात गुजारने के लिए डेरे पर आता था तो तुम ही उसकी रंगीन और संगीन खिदमत का बंदोबस्त किया करते थे? जनाब, मैं तो हुक्म का गुलाम था, वो बड़ी मकारी से बोला। वो क्या कहते हैं, हुक्म हाकिम मरते निजात, मरते निजात नहीं, मर गए मफाजात। मैंने फौरी तौर पर उसके जुमले की तसहीह की और कहा, तुम हुक्म के गुलाम थे या ईंट के अट्ठे, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। मकतूल चौधरी जहीर तुम्हारे तावुन और मदद ही से अपनी ऐशो शरत का इंतज़ाम करता था। बकुआ की रात तुम डेरे पर किसको लेकर आए थे? किसी को नहीं जनाब, वो जल्दी से बोला। उस रात चौधरी साहब ने ऐसी कोई फरमाइश नहीं की थी, वो सिर्फ पीना चाहते थे और आराम से सोना चाहते थे। लेकिन ना, लेकिन क्या, ये सारी बातें आपको किसने बताई हैं? उसके लहजे में हैरत थी। जाहिर है किसी ऐसे शख्स ने ही बताई हैं जो तुम्हारे और तुम्हारे चौधरी जहीर के करतूतों से वाकिफ़ होगा, मैंने दांत पीसते हुए कहा। और उससे क्या फ़र्क पड़ता है, चौधरी तो मारा गया, मगर तुम क्यों इतने खौफजदा हो? मैं खौफजदा नहीं हूँ जनाब, वो बड़ी सरस से बोला। चेहरे से तो वैसे ही नज़र आ रहे हो, मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में घूरते हुए कहा। यूँ महसूस होता है जैसे तुमने कोई संगीन जुर्म किया हो। ना जी, वह इसरारी अंदाज में पहलू बदल कर रह गया। उसके चेहरे के तासुरात और जिस्मानी हरकत व सकनात से गहरा इस्तराब और तशवीश झलकती थी। मेरी छठी हिस्स बार बार मुझे खबरदार कर रही थी कि कहीं कोई गड़बड़ वाक्य है, और कहाँ और क्या गड़बड़ इसका अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था। और ये मुझे अपने तफ्तीशी दाव पेश से मालूम करना था। अगर चौधरी तनवीर ने मुझसे गलत बयानी नहीं की थी तो उसका साफ मतलब ये था कि फाखरा ने झूठ बोला था। इस सूरत में फाखरा का झूठ सबसे ज़्यादा चौधरी तनवीर के खिलाफ जाता था। वो तनवीर के हवाले से अपनी नापसंदीदगी का भी खुलकर इजहार कर चुकी थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि फाहरा तनवीर को जहीर मर्डर केस में किसी जावी से घसीटने की ख्वाहिशमंद हो? उसकी ख्वाहिश इस जानब इशारा करती थी कि वह किसी न किसी दर्जे पर अपने शौहर के कत्ल में मुलविस है, वरना उसे इस किस्म की चालें चलने की क्या ज़रूरत थी? और फिर उसका ताज़ा तरीन रवैया भी हासा फिक्र अंगेज था। वो मुझसे कह चुकी थी चौधरी जहीर के 40वें तक ज़रूर हवेली में रुकेगी, और अब चौधरी तनवीर ने बताया था कि वह पहली फुर्सत में उस जहनुम से निकलना चाहती है। दूसरी जानब चौधरी सिकंदर हयात का इसरार भी बड़ा मानी ख्याज था। सूरत हाल हासी उलझी हुई थी और रह रहकर मुझे महसूस हो रहा था कि अगर मैं झूरी पर मेहनत करूं तो उस उलझी हुई डोर का सिरा मेरे हाथ आ सकता था। मैंने ढंग से उसे घिसने का फैसला कर लिया। मैंने कदर सख्त लहजे में कहा, किसी मुजरिम का साथ देना उसके जुर्म की राह हमवार करना भी जुर्म का इरतकाब ही कहलाएगा। तुम चौधरी जहीर के हर ऐब फेल में उसके शरीक और मुआविन रहे हो, लिहाजा तुम भी मुजरिम ही हुए ना? अच्छा, तो आपका ये मतलब था? उसने इत्मीनान भरी सांस खारिज की। मैं तो समझा था। जुमला अधूरा छोड़कर मुतजब्ज़ुब नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने कड़े लहजे में कहा, तुम यही समझे थे ना कि मैं तुम्हें चौधरी जहीर का कातिल समझ रहा हूँ? जनाब, डराने वाली बातें ना करें। मैं चौधरी साहब को कत्ल करूँ, ये कैसे हो सकता है? वह गड़बड़ाए हुए अंदाज में बोला, मैं तो उनका पुराना नमक खार हूँ। इस नौयत के काम पुराने नमक खार दस्ते रास्त और भरोसे वाले लोग ज़्यादा आसानी से कर लेते हैं, क्या ख्याल है? मैंने चुपते हुए लहजे में सिफसार किया, तौबा तौबा। वो कानों को हाथ लगाते हुए बोला, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता, कत्ल के बारे में नहीं सोच सकते। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, लेकिन चौधरी जहीर के कातिल के बारे में ज़रूर सोच सकते हो ना? मैं लम्हे भर के लिए मुतवक्किफ़ हुआ, फिर सनसनाते हुए अंदाज में दरियाफ़्त किया, बताओ चौधरी जहीर को किसने कत्ल किया होगा? मैं क्या जानूँ? वो लड़खड़ाहट आमेज़ अंदाज में बोला, मुझे क्या पता जी, मैं कैसे बताऊँ चौधरी जहीर को किसने कत्ल किया? आप बड़ी से बड़ी कसम ले लें थानेदार साहब, मैं कातिल के बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने उसे तेज़ नज़र से घूरा, तो तुम चौधरी के कातिल के बारे में कुछ नहीं जानते? जी बिल्कुल नहीं जानता, वह जल्दी से बोला।
मैंने पूछा, किसी यूसुफ तरखान को तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि है ना। उसने चौंककर मेरी तरफ देखकर बोला, थानेदार साहब, आप तो बड़े कमाल के पुलिस वाले हैं, आपको सब कुछ मालूम है और हम हाँ मुझे डरा रहे हैं। जूरी के बात का कोई सर और पैर नहीं था, लिहाजा मेरा उलझना लाजमी अमर था। मैंने सख्त लहजे में दरियाफ्त किया, तुम कहना क्या चाह रहे हो, मुझे क्या सब मालूम है। जनाब, आपने यूसुफ तरखान का नाम लिया तो मैं यही समझा कि आपको उस बंदे पर शक है, और यह शक गलत भी नहीं है। यूसुफ चौधरी साहब से शदीद नफरत करता है, वो उनकी जान ले सकता है। जूरी का अंदाज़ बता रहा था कि वो यूसुफ को कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश में, हालांकि मैं उसे इस हवाले से कुछ नहीं पूछा था। मैंने अपना सवाल दोहराया, मैंने तुमसे यूसुफ के बारे में पूछा था, तुमने चौधरी से उसकी नफरत का जिक्र निकाला, तो इसमें मेरी दिलचस्पी बढ़ गई है, मुझे उसकी तफसीली कहानी सुनाओ। जूरी ने खुद को और चौधरी जहीर को महफूज मकाम पर रखते हुए बुशरा और अफलाली के जिक्र को गोल करके एक फार्मूला कहानी मुझे सुना दी। उसकी गैर ज़रूरी तवील लंगड़ी वजाहत सुनकर मैं उसकी तरफ से और खटक गया। उसके अंदाज़ो एतवार और बोलचाल में कोई ऐसी बात ज़रूर थी जो मेरे जहन को उलझा रही थी। मैंने मकतूल के लिबास से बरामद होने वाले लाली के रुके का जूरी से तस्करा नहीं किया था, लेकिन ऐसा महसूस होता था वो रुके की हकीकत से वाकिफ हो, और ये बात उसे मेरी निगाह में मशकूक बनाती थी। कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ मौजूद थी, ताल में काला वाजह तौर पर दिखाई दे रहा था। मैंने तेज़ नज़र से जूरी को घूरा और भूला और पूछा, तुम्हारे लंगरवाल जाने के बारे में किस किस को मालूम था? किसी को भी नहीं जनाब, और जल्दी से बोला, चौधरी साहब ने किसी को भी ये बात नहीं बताई थी, मुझे भी उन्होंने उसी वक्त बताया जब रात को डेरे पर आए थे। अच्छा, मैंने तीखी अंदाज में कहा, मकतूल चौधरी ने किसी से तुम्हारे लंगरवाल भेजने का जिक्र नहीं किया? तुमने किसी न किसी को ये बात ज़रूर बताई होगी। बिल्कुल नहीं जनाब, इतना वक्त ही कहाँ था, वह जज्बेस होते हुए बोला। बकुआ की रात वो डेरे पर पहुँचे और मुझसे कहा कि मैं फ़ौरन लंगरवाल चला जाऊँ, वह पियेंगे और आराम करेंगे, वह वजाहत करने लगा। मैंने उनसे कहा, जनाब अगर आपका हुक्म हो तो सुबह चला जाता हूँ, अब तो रात हो गई है। उन्होंने कहा, अभी और इसी वक्त जाना ज़रूरी है। मैं उनसे बहस नहीं कर सकता था, लिहाजा जाने के लिए तैयार हो गया और चौधरी साहब से दरख्वास्त की कि वापस मैं कल शाम को आऊँगा। उधर लंगरवाल के नज़दीक एक छोटा सा गाँव है, कुम्हारपुरा। चंडियाला से लंगरवाल जाएँ तो पहले कुम्हारपुरा आता है। कुम्हारपुरा में मेरा एक दोस्त रहता है, अफसल डार। मैं अफसल डार के पास कुछ वक्त गुजारना चाहता था। चौधरी साहब ने मुझे इजाज़त दे दी, मैं डेरे से रवाना हो गया। वो अपनी बात मुकम्मल करके खामोश हुआ तो मैंने सवाल किया, क्या तुम्हें अपने मालिक का इतना भी ख्याल नहीं आया कि तुम उसे डेरे पर अकेले छोड़कर जा रहे थे? क्यों नहीं जनाब, ख्याल तो बहुत आया था, वो निगाह चुराते हुए बोला। लेकिन वही बात, थानेदार साहब के ये चौधरी साहब का हुक्म था और मैं उनका हुक्म टाल नहीं सकता था। मैंने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा, चौधरी जहीर के ऐसे कौन से ज़रूरी काम से तुम रातों रात लंगरवाल रवाना हुए थे? वो पलके चिपकाते हुए बोला, चौधरी साहब अब बाकी नहीं रहे, लिहाजा आपके सामने उनका राज खोलने में कोई हर्ज नहीं। उधर लंगरवाल में चौधरी साहब की छोटी बहन आमना बीबी रहती है। चौधरी साहब ने मेरे हाथ आमना बीबी के लिए 1000 रुपये भिजवाए थे और कहा था सुबह तड़के आमना को ये रकम मिल जाना चाहिए। मैं घोड़े पर सवार होकर लंगरवाल की तरफ रवाना हो गया। चंडियाला से लंगरवाल का फासला कोई 10 मील है। मैं आधी रात को कुम्हारपुरा पहुँचा और रात का बाकी हिस्सा मैंने अफसल डार के घर गुजारा। अगली सुबह मैं मुँह अंधेरे लंगरवाल रवाना हो गया और तड़के तड़के आमना बीबी को 1000 रुपये पहुँचा कर वापस अपने दोस्त अफजल डार के पास आ गया। चौधरी साहब अक्सर व बेशतर अपनी छोटी बहन के लिए मेरे हाथ रकम भिजवाते रहते थे। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो आमना बीबी से खुद जाकर पूछ लें, वो इस वक्त जंडियाला वाली हवेली में मौजूद है और अफजल डार से भी इस बात की तस्दीक की जा सकती है कि मैं उसके पास गया था या नहीं। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जूरी तुम्हारा ये दावा कि तुम्हारे लंगरवाल जाने के बारे में तुम दोनों जूरी प्लस मकतूल के सिवा और कोई नहीं जानता था, लेकिन मैं ऐसे दो अफराद से वाकिफ हूँ जो तुम्हारे इस प्रोग्राम से वाकिफ थे। उसने बेयकीनी से मेरी तरफ़ देखा और बेसख्ता पूछा, वो दोनों कौन हैं? एक तो है छोटा चौधरी तनवीर, मैंने ड्रामाई अंदाज में कहा। वो हुक्का बुक्का रह गया, बेख्तियार उसकी ज़ुबान से निकला, छोटा चौधरी साहब को किसने बताया? उसकी भाभी फाखरा ने। एक तो है छोटा चौधरी तनवीर, मैंने ड्रामाई अंदाज में कहा। वो हुक्का बुक्का रह गया, बेख्तियार उसकी ज़ुबान से निकला, छोटे चौधरी साहब को किसने बताया? उसकी भाभी जान फाखरा ने। मैंने उसके समात में एक और धमाका किया, नहीं छोटे चौधरी साहब गलत कह रहे हैं, वो नफ़ी में गर्दन झटकते हुए बेसख्ता बोला। चुदराइन जी ऐसी गलती नहीं, वो बोलते बोलते अचानक रुक गया और परेशान नज़र से मुझे तकने लगा। चेहरे के तासुरात बताते थे कि वो कोई ऐसी बात कहने जा रहा था जिसको छुपाना मकसूद था। गलती का एहसास होते ही उसकी ज़ुबान को यक लख्त ब्रेक लग गए थे। यक लख्त ब्रेक ज़ुबान को लगे या गाड़ी को, उसका नतीजा अच्छा बरामद नहीं होता, ज़ुबान या गाड़ी के हक में, क्योंकि ये दोनों चलने वाली चीज़ें हैं, उन्हें तरीके सलीके से रोकने की ज़रूरत होती है।
जूरी की ज़ुबान अचानक ब्रेक लगने से फिसल गई थी और इस फिसलाव में मुझे एक ऐसा पॉइंट हाथ लग गया था जिसकी मदद से मैं इस केस को हल कर सकता था। मैं अपनी कुर्सी से उठा और खामोशी के साथ जूरी की जाने बढ़ने लगा। मेरे संदाज ने उसे बौखलाहट में मुबतला कर दिया। उसकी हालत चिकचिक कर गवाही दे रही थी कि उसे कोई संगीन गलती सरजद हो गई थी। मैं उसके करीब पहुंचा, उसकी थोड़ी को एक चटके से ऊपर उठाया, उसकी आंखों में देखते हुए खुखार लहजे में कहा, प्यार मोहब्बत की ज़ुबान तुम्हारी समझ में नहीं आ सकी ना। ठीक है, तुम जैसे ढीठों के लिए मेरे पास और भी बहुत से फार्मूले मौजूद हैं। मैं देखता हूँ तुम कितने सख्त जान हो। मेरे लहजे में इतनी कतईत और सफाकी थी कि वो हिल कर रह गया। सरासीमा लहजे में बोला, जनाब मैंने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया। चौधराइन जी कैसी गलती नहीं कर सकती? मैंने उसके गाल पर एक जनाटेदार थप्पड़ रसीद करने के बाद इसे इफ़सार किया। वो अपने मुतासिरा गाल को सहलाते हुए बोला, वो जनाब मेरा मतलब ये था कि चौधराइन जी छोटे चौधरी साहब को मेरे बारे में कैसे बता सकते हैं, उन्हें तो खुद भी ये बात पता नहीं थी। वाज़े तौर पर नज़र आ रहा था कि उसने बात बदल कर सूरत हाल को संभालने की कोशिश की थी, वरना उसके अधूरे जुमले का मफहूम यही था कि चौधराइन फाखरा उसके लंगरवाल जाने वाले प्रोग्राम से अच्छी तरह वाकिफ थी और अगर उसने छोटे चौधरी तनवीर को इस बारे में कुछ बताया था तो ये इसकी संगीन गलती थी। मैंने झूरी की आंखों में घूरते हुए सफाक लहजे में कहा, ठीक है तुम्हारी चौधराइन इस बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन तुम तो सब कुछ जानते हो ना। मैं ये खूनरेज कहानी तुम्हारी ज़ुबानी सुनूंगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी खातर तवाज़ो के बाद। मेरे अंदाज में छुपी हुई वहशत को महसूस करते हुए उसने तशवीशनाक लहजे में जानने की कोशिश की कि आप मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। मैंने उसके सवाल का जवाब देना ज़रूरी न समझा और हवलदार को कमरे में बुला लिया। फिर झूरी को उसके हवाले करते हुए मैंने खास लहजे में कहा, सूबे खान तुम भी इसी इलाके के रहने वाले हो, लिहाजा झूरी से डाक खाना मिलाने में तुम्हें ज़्यादा दुश्वारी पेश नहीं आएगी। ये आज की रात तुम्हारा मेहमान है, मैं चाहता हूँ तुम मेज़बानी का फ़र्ज़ अदा करते हुए हाजिर स्टॉक सारी डिशेस के जायके से रुशनास कराओ। मेरी तरफ से तुम बिल्कुल आज़ाद हो। आप फिक्र ना करें मलक साहब, मैं इसकी ज़ुबान ऐसे रवा करूँगा कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई और थाने से निकल आया। सुबह खान ने कुछ गलत नहीं कहा था, उसकी रात भर की खातिरदारी ने झूरी को ज़ुबान खोलने पर मजबूर कर दिया था। मैं अपने क्वार्टर में आने से पहले हवलदार को चंद अहम टिप्स दे आया था। उन्हीं टिप्स की मदद से उसने पूछ गछ का तड़का लगाकर झूरी के अंदर से सच गुलवा लिया था और ये सच बहुत ही ख़तरनाक था। चौधरी ज़हीर के कत्ल का इकरार करते हुए उसने बताया कि उसे अपने मालिक से बहुत सारी शिकायत थी, लेकिन उसके अंदर ज़ुबान खोलने की हिम्मत नहीं थी। वो चौधरी ज़हीर की चाकरी करते हुए मौका की तलाश में रहा, फिर जब मौका उसके हाथ आया तो वो चौधरी सिकंदर हयात की गोद में जा बैठा और उसी के इशारों पर नाचते हुए उसने अपने हाकिम को मौत के घाट उतारा था। चौधरी ज़हीर को ख़त्म करने का मनसूबा चौधरी सिकंदर का था। चौधरी सिकंदर अपनी बहन के हालात से पूरी तरह आगाह था। उसका ख्याल था कि उन्होंने अपने बाप चौधरी हावर हयात की रिहाइश से मजबूर होकर जंडियाला के चौधरीयों से नाता जोड़ा था, लेकिन इतनी बड़ी कुर्बानी के बावजूद भी मकतूल ने उसकी बहन के साथ जो सलूक रवा रखा था वो काबिल मुआफ़ी नहीं था। सिकंदर हयात ने खतरनाक मनसूबा तरतीब दिया और अपने मनसूबे की यकीनी कामयाबी के लिए उसने झूरी को खरीद लिया। ये काम अगरचा इतना आसान नहीं था, लेकिन उसने अपनी हिकमत अमली से उसे मुमकिन कर दिखाया। झूरी ने चौधरी सिकंदर हयात के माँ पर एक खास प्लानिंग के तहत मकवा की रात चौधरी ज़हीर को इतनी पिलाई कि वह अपने होशो हवास में ना रहा। इसके बाद वो मकतूल चौधरी को डेरे से बाहर खेतों में ले गया और किसी शकील कलब दरिंदे का किरदार अदा करते हुए एक तेज़ धार आरी की मदद से उसे दो टुकड़ों में तकसीम कर दिया। थोड़ी देर के बाद उसने चौधरी ज़हीर की लाश के दोनों हिस्सों को डेरे पर लाकर उसके कमरे में डाला और ख़ुद लंगरवाल की जानिब रवाना हो गया। उसने रात का आखिरी हिस्सा अपने दोस्त अफजल डार के घर में गुजारा और अलिल सुबह वो अमना बीबी के घर पहुंच गया। दरकीकत उस रात मकतूल ने उसे लंगरवाल भेजा था और ना ही अपनी बहन के लिए कोई रकम भिजवाई थी। ये सारा ड्रामा कहानी को हकीकत के करीब रखने के लिए किया गया था। छुरी ने जो रकम आसिया बीबी तक पहुंचाई वो उसे चौधरी सिकंदर ने दी थी। इस तरह आरी से दोलख्त करने का टच एक खास मकसद के तहत लगाया गया था और इसी मकसद का एक हिस्सा लाली की जानिब से लिखा हुआ वो रुका भी था जो अस्पताल में मकतूल की जेब से बरामद हुआ था, ताकि सबका शक लाली की रूह की तरफ जाए या फिर उसके भाई यूसुफ की तरफ। मैं अगर कमज़ोर दिमाग का होता तो शायद ऐसा हो भी जाता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने लाली की रूह वाली कहानी को सुनने से पहले मुस्तरद कर दिया था। इस खौफनाक कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि फाहरा को भी चौधरी सिकंदर हयात ने अपने मंसूबे से पूरी तरह आगाह कर रखा था। वो अच्छी तरह जानती थी कि किस दिन किस तरह कौन सा खतरनाक खेल खेला जाने वाला है। चौधरी सिकंदर को अपनी बहन पर पूरा एतमाद था। उसके घरेलू हालात से दिल बर्दाश्ता होने के बाद ये संगीन कदम उठाने पर मजबूर हुआ था। इस तरह एक तरफ तो वो अपनी बहन को चौधरी ज़हीर से निजात दिलाता, दूसरी जानिब वह मकतूल के हिस्से की ज़मीन और जायदाद पर फाखरा के तवस्सुल से काबिज़ हो जाता। फाखरा मकतूल के रवैयों से इतनी आजज आ चुकी थी कि उस मोहलक खेल में वो अपने भाई का साथ देने के लिए तैयार हो गई।
जूरी ने जब इकबाल जुर्म कर लिया तो चौधरी सिकंदर उसकी बहन फाखरा पर हाथ डालने में मुझे किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। गुज़िश्ता रोज़ दोपहर के बाद मैंने मकतूल की लाश चौधरी तनवीर के हवाले कर दी थी। आज सुबह जब चौधरी ज़हीर की तदफीन हो गई तो मैंने उन दोनों ख़तरनाक किरदारों को गिरफ्तार करके अपने थाने के हवालात में पहुँचा दिया और उसी वक्त एक दिलचस्प इंकशाफ हुआ कि उन्होंने चंडियाला वाली हवेली में जो इख्तलाफी बहस शुरू की थी वो भी उनकी प्लानिंग का हिस्सा था ताकि किसी को ये महसूस ना हो सके कि वो अंदर से मिले हुए हैं। यहाँ तक तो सब ठीक था लेकिन फाहरा के हवाले से मुसलसल एक बात मेरे जहन में खटक रही थी। मैंने लदगी में उसे पूछ लिया, जब तुम्हें इस कातिलाना साजिश की पूरी खबर थी बल्कि तुम इस साजिश का हिस्सा थी तो तुमने चौधरी तनवीर को ये क्यों बताया कि झूरी को मकतूल ने लंगरवाल भेजा? उसने मुझसे झूरी के बारे में पूछा था और मैंने एक इम्कान जाहिर किया था। चौधरी तनवीर ने अगर मेरे कहे को पत्थर की लगी समझ लिया तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। वो नफरत हम इस लहजे में बोली, मकतूल अक्सर झूरी को अपनी बहन की मदद के लिए लंगरवाल भेजता रहता था, लिहाजा मैंने ये बताने में कोई हर्ज महसूस नहीं किया था और जो मैंने तुमसे इस बारे में इस्तफसार किया था तुमने बिल्कुल कहानी उलट दी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने मुझे यही बताया था कि झूरी के लंगरवाल जाने वाली बात तुम्हें चौधरी तनवीर से पता चली थी। उसने गर्दन छटकी और बेपरवाही से बोली, अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं। वाकई तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं लेकिन मुझे है। मैंने मानी खैज अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, तुम्हारी इस छोटी सी गलती से मुझे केस हल करने में बहुत मदद मिली है, मेरा बहुत फ़ायदा किया है। उसके पास मेरी बात के जवाब में कहने के लिए कुछ नहीं था। मैंने चौधरी ज़हीर को बेदर्दी से ठिकाने लगाने वाले तीनों साजिशी किरदारों को उनके किरदार की अहमियत की रोशनी में ट्रीट किया और उनके खिलाफ एक मजबूत रिपोर्ट तैयार करके उन्हें सुपुर्द अदालत कर दिया। मकतूल चाहे अपनी ज़िंदगी में कितना ही बुरा क्यों ना रहा हो, उसके कत्ल की साजिश में मुलविस कोई भी शख्स किसी रूरियात के काबिल नहीं था। उन्हें उनके किए की सज़ा ज़रूर मिलना चाहिए थी। जुर्म कभी फलता फूलता नहीं, चाहे बज़ाहिर ऐसा दिखाई भी दे रहा हो, यह सब नज़र का धोखा होता है। कारखाने कुदरत में हर काम का एक वक्त मुकर्रर है, जल्द या बदेर मुजरिम कानून की गिरफ्त में ज़रूर आता है। उन तीनों की बदकिस्मती कि उनका मामला बदेर नहीं बल्कि जल्द पर आकर ख़त्म हुआ था। नाज़रीन उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको काफ़ी सनसनीखेज लगी होगी, तो लाइक कमेंट और शेयर जारी रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए ऐसी किसी अच्छी सी कहानी तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।